नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंगल, मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अपना इंडियन इकोनॉमी आज से स्टार्ट हो रहा है और अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। और टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया में से भी कौन सा, पहले डायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। ठीक है, आज अपन GST से अपना इंडियन इकोनॉमी चालू करेंगे। ये वीडियो मेंस के लिए है, इम्पोर्टेंट है ना, और प्रिलिम्स के लिए भी है, तो अगर प्रिलिम्स वाले स्टूडेंट देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, बट अपन जो फोकस मेन है, ठीक है, वो मेंस के हिसाब से फिलहाल है, और प्रिलिम्स के लिए भी सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे इसमें, फिर आपको उसके लिए अलग से बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि टैक्स सिंपल अपन पूरे के पूरे टॉपिक कवर कर लेते हैं GST के, चालू करते हैं बिल्कुल बेस से कि टैक्स होता क्या है। कि गवर्नमेंट जो लगाती है कंपल्सरी लेवी, गवर्नमेंट लगा रही है अमाउंट जो पर्सन्स को देना पड़ेगा, पब्लिक को देना पड़ेगा, उसे अपन बोलते हैं टैक्स। ठीक है, तो टैक्स इज कंपल्सरी सम। या आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये एग्जाम में ये लाइन लिख सकते हैं, टैक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, टैक्स इज कंपल्सरी सम लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन पर्सन्स। ठीक है, तो कंपलसरी है, देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो आपको देना ही पड़ेगा, फिर आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, बकायदा लॉ पास होता है पार्लियामेंट के अंदर टैक्स का। सम मतलब अमाउंट, लेविड मतलब लगाना। ठीक है, लेविड मीन्स क्या होता है, लगाना। ठीक है, कौन लगा रहा है ये अमाउंट, गवर्नमेंट लगा रही है, सरकार लगा रही है, और किस पर लगा रही है, लोगों पे, पर्सन्स। पर्सन केवल नेचुरल पर्सन नहीं होते जैसे अपन लोग, आप ये मत समझना पर्सन मतलब व्यक्ति, कंपनी भी पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पर्सन है, इवन जो मंदिर होते हैं वो भी पर्सन्स की डेफिनेशन में आते हैं, मंदिर मस्जिद वगैरह जो भी है। ठीक है, बस उसे अपन कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, मंदिर वगैरह को अपन कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर, उतना अपन को डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, अच्छा तो टैक्स जो है लगाते क्यों है, सेकेंड क्वेश्चन ये आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लगाया क्यों जाता है। सबसे मेन बात आप जानते हैं जैसे कि गवर्नमेंट की इनकम होती है टैक्स से। ठीक है, गवर्नमेंट इस टैक्स का करती क्या है, इस रेवेन्यू का डेवलपमेंट के काम में लगाती है, वेलफेयर के काम में लगाती है, सब्सिडीज देती है बहुत सारी। ठीक है, अपन देखते हैं नरेगा वगैरह जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, डिफेंस पे इतना बड़ा खर्चा होता है, सबसे मेजर खर्चा कौन सा होता है गवर्नमेंट का, इंटरेस्ट का। ठीक है, जब अपन बजट पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर का जो मेजर खर्चा है वो डिफेंस का, करीबन शायद 3 लाख करोड़ के आसपास डिफेंस पे गवर्नमेंट खर्चा करती है, फुल फिगर तो एग्जैक्टली ध्यान नहीं है लेकिन हाँ इतना ही है करीबन करीबन, और उससे भी ज्यादा अमाउंट अपना इंटरेस्ट के अंदर जाता है। सोचने वाली बात है, मतलब इंटरेस्ट के अंदर गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है। तो ये सारा पैसा आता कहाँ से है, इन सब चीज़ों के लिए टैक्सेस से आता है। गवर्नमेंट अगर टैक्सेस कलेक्ट ना करे तो फिर डेवलपमेंट करेगी कैसे, तो ये सबसे मेन क्वेश्चन यही है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्स का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अच्छा ये मत समझना कि अपन बहुत ही ज्यादा बहुत छोटी छोटी बातें समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब मेंस में लिखने के लिए अपने काम आएगा। टैक्स क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है इनकम का, कैसे। अब जैसे आप इनकम टैक्स लगा रहे हो, अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, दो तरह के टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं, कर है ना। तो इनकम टैक्स जैसे अपन गवर्नमेंट लगा रही है, तो आपने सुना होगा कि 10 लाख से जो ऊपर इनकम कमाते हैं उस पर 30% रेट ऑफ टैक्स होता है, 30%, और जो 2.5 लाख से इनकम कम कमाते हैं उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं होता। तो इससे क्या हो रहा है, हम गरीबों को या फिर जो जो पर्सन कम कमा रहा है, पुअर पर्सन पे हम टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगा रहे। ठीक है, जो लोग 2.5 लाख से कम लगा रहे, कम कमा रहे हैं, बट जो लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं लाइक 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब 10 लाख से ज्यादा, उस पर अपन टैक्स लगा रहे हैं 30% की रेट से। तो इससे क्या होगा, इनइक्वलिटी जो है वो समाज के अंदर कम होगी, असमानता जो है वो समाज के अंदर कम होती है। आपने पढ़ा होगा ऑक्सफर्म की रिपोर्ट, ऑक्सफर्म की रिपोर्ट क्या बोलती है कि इंडिया के अंदर 1% लोग 70% से ज्यादा वेल्थ रखते हैं, मतलब 1% लोग 70% से ज्यादा वेल्थ रखते हैं, मतलब तो अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसलिए तो क्या है, खराब हो जाता है बार बार, कि अपन इनइक्वलिटी के अंदर पीछे रह जाते हैं, मतलब इनइक्वलिटी इंडिया में ज्यादा है,
और ये 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन आया उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा चला गया, रीज़न ये है। तो अपन डिस्कस करेंगे 1991 के रिफॉर्म्स क्या थे इंडिया में, बाद में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के अंदर मदद करता है इनकम टैक्स, ठीक है। थर्ड, इट मैनेज इकोनॉमी, इकोनॉमी को मैनेज करता है कैसे। अब गवर्नमेंट को किसी भी चीज का प्रोडक्शन अगर कम करना है, ज्यादा करना है, तो आप ये मान लो कि गवर्नमेंट के पास एक टूल है टैक्स, उससे वो बैठे बैठे जो है प्रोडक्शन किसी भी चीज का कम कर सकती है, किसी भी चीज को एनकरेज कर सकती है, किसी भी चीज को डिस्करेज कर सकती है। लाइक गवर्नमेंट लगाती है टोबैको पे टैक्स, ठीक है, टोबैको पे जो टैक्स लगता है, जो तंबाकू पे टैक्स लगता है, स्पेलिंग वगैरह मत देखना है ना, ठीक है, तो जो टोबैको पे टैक्स लगता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सिगरेट पे जो टैक्स लगता है वो बहुत ज्यादा होता है, अल्कोहल लिकर जो दारू होती है उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, थोड़ा डिस्करेज करना चाहती है इससे लोगों को, तो इनको कहते हैं डीमेरिट गुड्स, ठीक है। लेकिन अगर आप सोलर एनर्जी प्लांट डालोगे, ठीक है, अगर आप सोलर एनर्जी प्लांट डालोगे तो गवर्नमेंट आपको एनकरेज करना चाहती है, तो इससे इसलिए इस पर टैक्सेस भी बहुत कम है और ना के बराबर ही है, उल्टा आपको सब्सिडीज भी मिलती है, ठीक है। अगर आप गुड्स सोलर का पैनल इंपोर्ट करते हो तो आप पे ज्यादा टैक्स नहीं लगता है। अब इन्होंने थोड़ा बहुत टैक्स लगाया है क्योंकि ये ना चाइना से आ रहे थे ज्यादातर सोलर पैनल्स, ठीक है। इसमें यूएस के अंदर केस भी चल रहा था डोमेस्टिक कंटेंट वाला, 2017 के अंदर क्वेश्चन था यूपीएससी के अंदर कि डोमेस्टिक कंटेंट प्रीलिम्स के अंदर था, आईएएस के अंदर, कि डोमेस्टिक कंटेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो उसका आंसर था सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, सोलर पैनल से रिलेटेड है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि हर सोलर पैनल के अंदर डोमेस्टिक कंटेंट होना चाहिए, मतलब इंडियन होने चाहिए थोड़े सोलर पैनल्स। आपको पता है ज्यादातर ये यूएस और चाइना से आते हैं फिलहाल। तो ये सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, इट हेल्प इन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, या आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। कैसे, अब कोई भी व्यक्ति अगर टैक्स देता है सरकार को तो उससे क्या होगा, वो सरकार से एक्सपेक्टेशन रख सकता है कि गवर्नमेंट शुड परफॉर्म लाइक दिस, गवर्नमेंट शुड डू वेलफेयर ऑफ पीपल, है ना, कि गवर्नमेंट को अच्छा गवर्नेंस करना चाहिए। गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नेंस करना सही तरीके से, मैकेनिज्म, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन टैक्स देगा तो वो गवर्नमेंट से आशा कर सकता है कि भैया ये रोड खराब हो रहा है, हम टैक्स पेयर हैं तो तुम लोग करते क्या हो। अगर गवर्नमेंट सपोज करो बहुत सारा अमाउंट खाने पे खर्च कर देती है, या फिर पार्लियामेंट नहीं चलती है, ठीक है, बहुत सारा एमपी एमएलए को सैलरी दी जाती है और एक एक मिनट का इतनी कॉस्ट आती है, तो जो पब्लिक है वो सवाल कर सकती है, भाई तुम टैक्स पेयर के पैसे का कर क्या रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं ये, ठीक है, ये सारी चीजें। आपको पता है कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लिए जो यूपीएससी है उसमें आईआरएस होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उसके अंदर अपन जा सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए सारे के सारे। अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स इन इंडिया, इंडिया में कितने प्रकार के टैक्स होते हैं। तो मेनली दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब आप देखो चीजों को लिंक करना, जैसे कभी इनइक्वालिटी पे सवाल आए कि इंडिया में इनइक्वालिटी है तो सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन क्या है कि आप डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाओ, ठीक है, या डायरेक्ट टैक्स का बेस बढ़ाओ, ठीक है, मतलब जो लोग बाग टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनसे डायरेक्ट टैक्स ढंग से लो, है ना, रेट मत बढ़ाओ टैक्स की, ये मत लिख देना रेट बढ़ानी है टैक्स, अभी अपन पढ़ेंगे रेट बढ़ाने में क्या दिक्कत है, ठीक है। अपन को डायरेक्ट टैक्स का क्या बढ़ाना है, बेस, तो ये समझ आएगी आपको थोड़ी देर बाद ये बातें, बेस क्या होता है, रेट क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो बस। तो इनइक्वलिटी मतलब चीजों को लिंक करना है, इनइक्वलिटी को अपन लिख सकते हैं, कभी भी ऐसे कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो जिसको डिस्करेज करना है तो आप आराम से लिख सकते हो। अब जैसे आपको डिसेबिलिटी पे लिखना है कभी, है ना, सो अब सोसाइटी आप डिस्कस कर रहे हो और सोसाइटी के अंदर आप एग्जाम में आ गया कि डिसेबल पीपल की प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन बताओ, तो आप सॉल्यूशन लिख रहे हो, तो आप क्या लिख सकते हो कि डिसेबल्ड पीपल के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेशन की अलग कैटेगरी बना के उनसे टैक्स कम लेना चाहिए, या फिर जो डिसेबल्ड पीपल इक्विपमेंट यूज करते हैं कोई भी, जैसे मान लो उनकी आई के लिए अलग इक्विपमेंट है या फिर कोई भी इक्विपमेंट है व्हीलचेयर वगैरह, तो उस पर गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, बहुत कम रेट से लगाना चाहिए गुड्स पे टैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपन अपने आंसर्स को लिंक कर सकते हैं किसी भी चीज से, इकोनॉमी से, एनवायरमेंट से। आज आजकल आप सुनते होंगे एक कॉन्सेप्ट
कार्बन टैक्स का। तो कार्बन टैक्स भी तो टैक्स से ही है लिंक। अब गवर्नमेंट जो जो कोई पर्सन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फैला रहा है, अब ये एनवायरनमेंट से लिंक हो गया, जो कोई पर्सन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैला रही है कोई भी इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट उस पर क्या लगा सकती है, कार्बन टैक्स लगा सकती है। ठीक है, आपने कार्बन क्रेडिट सुने होंगे। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। तो और इनडायरेक्ट टैक्स को अपन अप्रत्यक्ष कर बोल देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पर्सन पे लगेगा वही उसको पे करेगा और बियर करेगा। ठीक है, मतलब पे करने वाला पर्सन और बियर करने वाला पर्सन क्या होते हैं? सेम होते हैं। सर सिंपल भाषा में बताओ, सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। आप सपोज करो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, आपने बोला भाई मेरा बर्थडे है तो चलो दोस्तों को पिज्जा पार्टी देते हैं, डोमिनोज लेके चलते हैं। ठीक है, अब डोमिनोज में गए, डोमिनोज ने आपको इतना तो पता ही है डोमिनोज कौन सा टैक्स कलेक्ट करता है अपन से? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अभी आप ये बात याद रख लो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जीएसटी जिसे अपन बोलते हैं। तो जैसे मान लो आपका बिल आया पिज्जा का, सपोज करो 500 रुपए का, तो डोमिनोज वाला आपसे, ठीक है, सिंपल भाषा में ले लेते हैं एक बार, 50 रुपए टैक्स ले लेता है। तो वो आपसे कितने रुपए ले लेगा? 550 रुपए लगेगा, ले लेगा। ठीक है, 500 रुपए तो खाने के बिल के डोमिनोज में ले लिए आपसे, और 50 रुपए जीएसटी के नाम से ले लिए, टैक्स के नाम से ले लिए। मान लो 10% रेट है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10% वैसे कोई रेट नहीं होती, तो 550 रुपए उसने आपसे ले लिए। अब जीएसटी लग किस पे रहा था? डोमिनोज पे। लेकिन उसने रिकवर किससे किया? अपन से। अपन कौन है? कंज्यूमर। ठीक है, कस्टमर या कंज्यूमर से रिकवर किया। तो ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब पे करने वाला और बियर करने वाला दोनों क्या है? डिफरेंट पर्सन है। मतलब कैसे? कि जीएसटी अपन ने एक बार चुका दिया, अपन ने भुगता भी, लेकिन गवर्नमेंट को चुकाने की जिम्मेदारी किसकी है? जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, डोमिनोज की है। अब गवर्नमेंट को चुकाएगा कौन? डोमिनोज जो है वो टैक्स पे कर देगी गवर्नमेंट को। ठीक है, तो पे कौन कर रहा है जीएसटी गवर्नमेंट को? डोमिनोज। लेकिन जीएसटी भुगत कौन रहा है? एज अ कंज्यूमर अपन लोग भुगत रहे हैं। ठीक है ना, अपन के ऊपर जीएसटी लग रहा है। बट डायरेक्ट टैक्स की बात करो, डायरेक्ट टैक्स में क्या है? बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्ट। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो जाता है? बर्डन शिफ्ट हो रहा है। बर्डन को अपन क्या कर रहे हैं? टैक्स के बर्डन को शिफ्ट कर रहे हैं। करा ना, डोमिनोज ने अपना बर्डन जो था टैक्स का किस पे शिफ्ट कर दिया? अपने कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया, अपन लोगों पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर जैसे आप पे अगर गवर्नमेंट बोलेगी लाओ 30% टैक्स दो क्योंकि आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर आप पे ही आपको ही टैक्स भुगतना पड़ेगा। आप अपने पड़ोसी से किसी दोस्त से वो टैक्स नहीं बोल सकते कि भाई तू दे दे मेरे भी आप पे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उधार जरूर ले सकते हो, लेकिन उनको बोल नहीं सकते कि मेरे भी आप पे चुका दो। ठीक है, तो आपका ही बर्डन है, आपको ही पे करना पड़ेगा वो टैक्स। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर सर एग्जाम्पल कौन सा होता है? बेस्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। सर और कोई एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स का? और कोई एग्जाम्पल नहीं है। पहले वेल्थ टैक्स हुआ करता था, लेकिन 2015 के अंदर वेल्थ टैक्स को खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि वेल्थ टैक्स का कलेक्शन जो था वो बहुत कम था, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी, प्रशासन की जो लागत आती थी, कॉस्ट आती थी, वो बहुत ज्यादा आती थी। ठीक है, ऑफिसेस उसके इतने सारे थे, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, लेकिन जो कलेक्शन था वो मेरे हिसाब से 400-500 करोड़ रुपए था। तो गवर्नमेंट बोलती थी यार इतने रुपए कलेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट के लिए 400-500 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट है, तो इतने रुपए कलेक्ट करने के लिए अपन इतना सारा मशीनरी गवर्नमेंट की लगा रहे हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो कॉस्ट बेनिफिट के अंदर वेल्थ टैक्स हटा दिया। पहले गिफ्ट टैक्स हुआ करता था एक, 1997 में गिफ्ट टैक्स भी गवर्नमेंट ने हटा दिया। ठीक है, अब गिफ्ट टैक्स इनकम टैक्स के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात आपको? तो अब फिलहाल जो डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है वो है इनकम टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या है? एक तो जीएसटी हो गया, ठीक है, और दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल कस्टम्स, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सेकंड कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी कब लगता है?
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है। अगर और कोई एग्जांपल लेना है तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? गुड्स के प्रोडक्शन पे। कस्टम ड्यूटी कब लगता है? गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। एक्साइज ड्यूटी कब लगता है? जब गुड्स का उत्पादन करोगे आप इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इन सबके अलग अलग लॉ बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं। जैसे इनकम टैक्स जो है उसका एक्ट बना हुआ है इंडिया में, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, ये सब अगर आप बातें एग्जाम में लिखते हो तो अच्छा इम्पैक्ट जाता है। कस्टम ड्यूटी का अभी जीएसटी पूरा अलग से पढ़ना है तो अभी इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे अपन। कस्टम ड्यूटी का कौन सा एक्ट बना हुआ है? कस्टम ड्यूटी एक्ट 1962, 1962। ठीक है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी का हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग टैक्स है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग लॉ है, तो अपन को ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना एक्साइज ड्यूटी लगती किस पे है? प्रोडक्शन पे लगती है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर जीएसटी लगने के बाद तो एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई, तो ऐसा कहना पूरी तरीके से गलत है। क्यों? ठीक है, आप इस अगर ऐसा कहोगे तो आधे सही हो आधे गलत हो, मतलब पार्शली सही हो पार्शली गलत हो। एक्साइज ड्यूटी दो तरह की होती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो कौन सी खत्म हुई है? केवल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हुई है। अभी इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो बस अभी आप समझते रहो, थोड़ा थोड़ा आ जाएगी आपको थोड़ी देर में बातें पूरी पूरी समझ में। ठीक है, टैक्स एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले टैक्स उठाया जानबूझ के, है ना, वरना अपन बैंकिंग से चालू करते तो वही फंक्शंस ऑफ बैंक वगैरह, तो वो सब बहुत पुराने टॉपिक्स हो चुके हैं। अपन प्रीलिम्स में सबसे पहले वही चालू करते हैं तो ये कहीं ना कहीं रह जाता है फिर ढंग से, है ना, फिर उसको फिर पकाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के सबसे पहले यही लिया है। तो अपन पहले नॉन ट्रेडिशनल टॉपिक लेंगे, जैसे आप लोगों ने भी सजेशन दिए थे। अच्छा, अब डायरेक्ट टैक्स अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इंडिया के लिए डायरेक्ट टैक्स अच्छा है या इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा है? एक दो फीचर और देख लो डिफरेंस, अगर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस देखोगे तो। डायरेक्ट टैक्सेस, अच्छा दोनों में से बताओ, आप बताओ डायरेक्ट टैक्स आसान है लोगों से लेना या इनडायरेक्ट टैक्स आसान है लोगों से लेना? ठीक है, दोनों में से आसान है इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इजी टू कलेक्ट, लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या है? हार्ड टू कलेक्ट। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ दोस्तों आपने कभी टैक्स पे करा है क्या? ठीक है, तो आप बोलोगे सर, कई लोग बोलेंगे हाँ कई लोग बोलेंगे ना, तो सिंपल आंसर यह है कि अपन बचपन से, हर कोई अपन लोग टैक्स पे कर रहे हैं, अपन बचपन से टैक्स पेयर हैं। ठीक है, जब बचपन के अंदर अपन मान लो बिस्किट खाते थे, अभी भी खाते हैं, ठीक है, तो बिस्किट पे भी क्या है? टैक्स लगा हुआ होता है। कौन सा टैक्स लगा हुआ होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना गुड्स और सर्विस पे जो टैक्स लगते हैं वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा किस पे लगते हैं? ऑन गुड्स एंड सर्विसेस। तो सर डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? ऑन पर्संस, व्यक्तियों पे जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। तो अगर मान लो सपोज करो कोई पर्सन बेगर है, भिखारी है, और वो भिखारी सपोज करो एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदता है 5 रुपए का, ठीक है, 5 रुपए का, 4 रुपए का, तो अगर वो 5 रुपए दे रहा है तो उसके अंदर बताओ टैक्स इंक्लूड है या नहीं है? है इंक्लूड। ठीक है, तो किस पे इंक्लूड है? गुड्स पे इंक्लूड है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का एक फीचर है। अब ये इजी कलेक्ट करना है या नहीं है? इजी हो गया ना कलेक्ट करना, क्योंकि गुड्स पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, आराम से आ सकता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स के लिए क्या होता है? गवर्नमेंट को पूरी की पूरी अपनी मशीनरी दौड़ानी पड़ती है। ठीक है, लोग डायरेक्ट टैक्स की चोरी आसानी से कर लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी आसान नहीं है करना। ठीक है ना, समझेंगे और भी रीजन से इसके। एक और डिफरेंस है, डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या है? रिग्रेसिव है। ये प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव मतलब क्या होता है? देखो आपने सुना होगा जो इंडिया में टैक्स की रेटें हैं वो किस तरीके से हैं, 1 से 2.5 लाख तक बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता। ठीक है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक फिर एक अलग रेट है, 5 से लेकर 10 लाख तक फिर आपने सुना होगा 20% टैक्स लग जाता है। ठीक है, फिर 10 लाख से ऊपर फिर एक अलग रेट है, 30% टैक्स है,
फिर आप सुनोगे कि ना 50 लाख से ऊपर हो गई तो फिर उसके ऊपर एक और टैक्स लग जाता है, 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो फिर एक और टैक्स लगता है। आपकी इनकम मतलब जैसे जैसे बढ़ रही है ना, आप देख रहे हो वैसे वैसे टैक्स की रेट बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया क्या करता है, 2.5 लाख तक की इनकम वालों पे 40% टैक्स ले रहा है, ऐसा तो नहीं है। अपन जिसकी इनकम 2.5 लाख तक की है साल भर की, उस पर तो टैक्स ले ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये टैक्स कौन सा है, प्रोग्रेसिव, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, टैक्स बढ़ रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या दिक्कत है, रिग्रेसिव टैक्स है। कैसे, अब सपोज करो कोई पर्सन है, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है, वो पार्ले जी बिस्किट खा रहा है और या कोई भी बिस्किट खा रहा है, 5 रुपए का बिस्किट खा रहा है, ठीक है। ये गरीब व्यक्ति है और ये बड़ा सा पर्सन क्या है, अमीर व्यक्ति है, और ये दोनों की दोनों पर्सन क्या है, एक शॉप पे जाके वो बिस्किट खरीदते हैं, तो गवर्नमेंट मतलब जो 5 रुपए का बिस्किट है उस पर टैक्स समान रूप से लिया जाएगा, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, दोनों से बराबर रूप से टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। जबकि कायदा क्या कहता है कि गरीब व्यक्ति से कम टैक्स लेना चाहिए और अमीर व्यक्ति से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये टैक्स क्या बोलते हैं, इसे रिग्रेसिव है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से बराबर टैक्स लिया जा रहा है। आप ये कह सकते हो जितना टैक्स अमीर से ले रहे हैं उतना ही टैक्स अपन गरीब से ले रहे हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, समझ में आया। अब मान लो अपने मेंस में कभी क्वेश्चन आ जाए, बताओ इंडिया के लिए कौन सा टैक्स अच्छा है, जो है वो डायरेक्ट टैक्स अच्छा है कि इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा है, तो आप बोलोगे सर अगर मान लो आपने बोल दिया इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा है। अब आपने बोला इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा है तो आप क्यों बोल रहे हो इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स इजी टू कलेक्ट है, आसानी से कलेक्ट हो जाता है। और आपने सुना है कि इंडिया के अंदर जो टैक्स पेयर की संख्या है वो बहुत कम है। अभी अपन डिस्कस करेंगे इंडिया में कितने लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। 5% भी लोग इंडिया में टैक्स नहीं पे करते। इंडिया के अंदर टोटल 125 करोड़, 130 करोड़ की जो जनसंख्या है अपनी, उसके अंदर से 5 अप्रोक्स जनसंख्या ले रहे, तो 5% भी लोग बाग टैक्स पे नहीं करते हैं, सोचो आप। तो आप कहोगे कि सर ऐसे लोगों के लिए तो कौन सा टैक्स होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत है, इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बताया, अब के दिक्कत क्या है दूसरी, इंडिया में गरीबी भी तो बहुत ज्यादा है ना, केवल ऐसा तो नहीं है कि लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि गरीब भी बहुत सारे हैं। तो अगर अपन इनडायरेक्ट टैक्स अगर लगा देंगे लोगों से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स लेना चालू कर देंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स है, ठीक है ना। मतलब गरीब व्यक्ति पे भी अमीर जितना टैक्स लग रहा है, तो वो इंडिया के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, हमेशा गवर्नमेंट को जो टैक्स रेट बढ़ानी चाहिए, अगर बढ़ानी है तो किसकी बढ़ानी है, डायरेक्ट टैक्स की बढ़ानी है, इनडायरेक्ट टैक्स को तो कम से कम रखो, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स क्या करता है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है, असमानता को रिड्यूस करेगा। कैसे, वो रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है उसको कम करेगा, रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है उसको इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या करता है, कम कर देता है। समझ में आया, कम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स रिच से तो अपन ज्यादा टैक्स ले लेंगे, अमीर व्यक्ति से तो ज्यादा टैक्स ले लेंगे, और गरीब व्यक्ति से अपन टैक्स बहुत ही ना के बराबर लेंगे या लेंगे नहीं, तो इससे जो डिफरेंस होगा गरीब और अमीर के अंदर वो कम होगा। समझ में आया क्या, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और भी टैक्स बहुत सारे होते हैं, बट मैंने एक अभी तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है, ये अपन को बेसिक बातें ध्यान रखनी है। चलो अब अपन बात करते हैं आगे, इनके, अच्छा देखो आप इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाने के लिए क्या तरीका यूज करेंगे, पहली बात तो इकोनॉमिक्स में अपडेट बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसके बाद एक एक पेज का या दो दो पेज का गैप छोड़ दे जाना, है ना, ताकि फिर आपको कभी भी अगर कुछ भी अपडेट करना है तो अलग से फिर बार बार कॉपी बदलने की जरूरत नहीं है, या 4-5 कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही कॉपी में आप इससे कंसोलिडेट हो जाएगी चीजें। अदरवाइज तो होता क्या है, फिर एक ही चीज दो दो तीन तीन जगहों पे लिखी है तो फिर वो चीजें दिक्कत करती है। अब अपन बात करते हैं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, शुरुआत से बैकग्राउंड से लेकर आज तक का करंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। जीएसटी की बात करने से पहले अपन को जीएसटी से थोड़ी सी पहले की बातें करनी पड़ेगी, कैसे कि जीएसटी आने से पहले क्या व्यवस्था थी इंडिया में, है ना। अब जीएसटी ये तो पता लग ही गया कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स मैंने क्या बताया कि इसमें बर्डन ऑफ टैक्स क्या जाता है, शिफ्ट हो जाता है, जो टैक्स का भार होता है वो किसी और व्यक्ति पे शिफ्ट करा जा सकता है।
तो जैसे आप कैलकुलेटर खरीदने गए बाजार के अंदर, ठीक है, तो दुकानदार क्या करेगा, आपसे कैलकुलेटर पर टैक्स ले लेगा, ठीक है। तो लग रहा था दुकानदार पर टैक्स, लेकिन ले लिया आपसे, तो ये कौन सा टैक्स हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, और वो जीएसटी उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स का। अब अपन डिस्कस करते हैं कि ना ये जो जीएसटी है, इसके आने से पहले क्या व्यवस्था थी इंडिया के अंदर। देखो इनडायरेक्ट टैक्स बहुत तरीके के थे इंडिया में, जैसे कस्टम तो आज भी था, आज भी है और पहले भी था। कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है बताओ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है। फिर एक्साइज ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी भी दो तरह की होती है, एक तो कौन सी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और एक स्टेट एक्साइज ड्यूटी। अभी डिस्कशन करते हैं इन सब पे अच्छी तरीके से। फिर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक आपका वैल्यू एडेड टैक्स, पहले इसका नाम था सेल टैक्स, बाद में इसका नाम चेंज करके वैल्यू एडेड टैक्स कर दिया था। उसके भी बड़े सारे रीजंस थे, केवल नाम नहीं चेंज किया था, बहुत सारी चीजें चेंज कर दी थी। आज तो वैट जो है करीब करीब खत्म हो चुका है, केवल दो तीन गुड्स पे है, तो अपन अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। फिर एक हुआ करता था सर्विस टैक्स, ऐसे ही एक होता था एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। जीएसटी पढ़ने से पहले या जीएसटी आया क्यों वो समझने से पहले अपन को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानना जरूरी है, ठीक है, चीजों का। कस्टम ड्यूटी को एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें कोई बदलाव आया नहीं है। एंटरटेनमेंट टैक्स किस पे लगता था, मूवीज पे। अगर आप मूवी, ये स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, हर स्टेट का अलग अलग होता था, तो कई बार आप देखते थे कोई मूवी आती थी बहुत अच्छी, जैसे भाग मिल्खा भाग आ गई, तो फिर क्या है, गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एंटरटेनमेंट टैक्स को उस मूवी पे खत्म कर देती थी, ताकि क्या है, लोग बाग उस मूवी को देखने जाएं, ठीक है, एनकरेज करती थी गवर्नमेंट इस मूवी, ऐसी मूवीज को। तो एक्साइज ड्यूटी कब लगता है, गुड्स के प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे, अगर इंडिया में हो रहा है तो, है ना, ठीक है। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। स्टेट एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है, एल्कोहल पे। ये सब जान लेना बहुत जरूरी है ना। आज आपको सुना होगा तो आप लोगों ने कभी कि जीएसटी अभी अल्कोहल पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, अल्कोहल पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, तो उसका क्या रीजन है वो अपन अभी देखते हैं, ठीक है। वैट गुड्स के सेल पे लगता है, या लगता था, जब गुड्स बेचते थे तो वैट लगता था। अगर कोई पर्सन सर्विस प्रोवाइड करता था, सेवा देता था, ठीक है, तो उस पे सर्विस टैक्स लगता था। जो होटल्स होते थे उस पे लग्जरी टैक्स नाम का टैक्स था, ये भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से लेती थी, ठीक है। तो इतने सारे टैक्स थे, और भी बहुत सारे टैक्स थे और आज भी हैं कुछ तो। जैसे पहले हुआ करता था ऑक्ट्रॉय, ठीक है, वो चुंगी होता था, ऑक्ट्रॉय, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते थे चुंगी, ठीक है। तो एक जगह से जब दूसरी जगह गुड्स ट्रांसपोर्ट होते थे, तो फिर बीच में एक तरीके से जैसे टोल टैक्स लगता है, वैसे ही कुछ टाइप का ये टैक्स होता था। अब ये नहीं है, ये खत्म हो गया, ऑक्ट्रॉय अब खत्म हो चुका है। सबसे पहले अपने एग्जाम में जीएसटी में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी आने से खत्म हुए हैं, ठीक है। हो सकता है मेंस के अंदर पूछ ले, ठीक है, कि कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी आने से खत्म हुए हैं, प्री में भी पूछ सकता है। तो ऑक्ट्राय खत्म हो गया आज, एक्साइज ड्यूटी के अंदर से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी करीब खत्म हो चुका है, करीबन करीबन, ठीक है, वैट करीबन करीबन खत्म हो चुका है, एंटरटेनमेंट टैक्स भी चला गया, लग्जरी टैक्स भी चला गया, और सर्विस टैक्स भी चला गया, ठीक है। ये जीएसटी आने की वजह से इतने सारे टैक्स अलग अलग जो थे वो चले गए हैं, ठीक है। तो आप सोचो जरा, अब आप एक चीज सोचो, मतलब होता क्या था, दिमाग में एक पिक्चर बनाना। आप एक सपोज करो, अपन क्या करते हैं, कार का मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, कार के मैन्युफैक्चर के लिए अपन रॉ मटेरियल खरीदते हैं, सपोज करो चाइना से। तो चाइना से अपन ने रॉ मटेरियल खरीदा, जो भी कार के अंदर रॉ मटेरियल काम में आएगा, एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन वगैरह जो भी है, ठीक है। फिर कार
फिर अपन ने जैसे ही रॉ मटेरियल खरीदा होगा, बताओ कौन सा टैक्स देते थे अपन या देते हैं? कस्टम ड्यूटी, क्योंकि इंपोर्ट हो गया, तो जैसे ही गुड्स का इंपोर्ट होता है तो उस पर कौन सा टैक्स लगता है? कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं, एक ही बात होती है, कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अलग अलग नहीं होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी और टैक्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी अपन देखते हैं। फिर कार की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में, आपने कार बनाना चालू कर दिया, जैसे ही फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री से माल बाहर निकलेगा, बताओ कौन सा टैक्स लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगता था। फिर फैक्ट्री से जैसे ही माल बाहर निकलेगा तो क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि आप आपने उत्पादन किया, उत्पादन करके फैक्ट्री से माल बाहर क्यों निकाला? क्योंकि आप बेच रहे हो, तो बेचते समय कौन सा टैक्स और लगता था? वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, तो सोचो जरा, मतलब ये फैक्ट्री वाले पे कितने कितने टैक्स देने पड़ रहे हैं इसको? तीन टैक्स दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से? अगर ये रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो कार के लिए, तो ये क्या पे कर रहा है? सबसे पहले कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट है। फिर जब ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग करते ही जैसे इसने कार बाहर फैक्ट्री से निकाली, तो बाहर एक्साइज डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर खड़ा है, और वो क्या बोल रहा है? ला भाई एक्साइज ड्यूटी पे कर, उत्पादन शुल्क पे कर। ठीक है, ड्यूटी को शुल्क कहते हैं हिंदी में, है ना। फिर वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि इसने माल बेचा भी है, भाई फैक्ट्री से माल बाहर क्यों निकालेगा? ऐसे थोड़े बाहर निकाल के रख देगा, वो बेचने के लिए निकाला है, तो उस पर क्या लगेगा? वैल्यू एडेड टैक्स भी लगेगा। तो गुड्स की बिक्री पे कौन सा टैक्स लगता था? वैट लगता था, आपको पता ही होगा। आप ऐसा नहीं है कि भाई जीएसटी आपके टाइम पे तो आया, अपने टाइम पे तो आया, अपन सब हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो इतने सारे टैक्सेस थे, इससे क्या फर्क पड़ रहा था? डबल टैक्सेशन, इसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन, या अगर आप मतलब टैक्स की लैंग्वेज में समझें इसको, तो डबल टैक्सेशन की जगह बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। डबल टैक्सेशन को प्रॉपर वर्ड क्या होता है? कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स लग रहा है। कैसे? जैसे ये कार है, आपने कार मान लो बिना टैक्स के है, 5 लाख रुपए की कार है। ठीक है, फैक्ट्री के बाहर निकल रही है, 5 लाख रुपए की कार है, अभी तक इसमें कोई टैक्स नहीं जुड़ा, कस्टम वस्टम तो लग गया होगा रॉ मटेरियल के ऊपर, आपको पता ही है। फिर इस पे क्या लगेगा? सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी। ये क्या लगता था पहले? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कितना परसेंट की रेट से लगती थी? मान लो 10% की रेट से, तो कितना हो गया? 50,000। अब मुझे बताना जरा टोटल कितना आया? 5,50,000, है ना। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं जीएसटी से पहले क्या होता था। ठीक है, तो उस कार की कीमत कितनी हो गई? 5,50,000। अब उस पर क्या लगता था? वैल्यू एडिड टैक्स, वैट। मान लो वैट की जो रेट है वो सपोज करो वो भी 10% है, तो 5,50,000 का 10% कितना हो गया? 55,000। तो ये कितना आ गया? 6,05,000। ठीक है, अब आप एक चीज देख पा रहे हो इसके अंदर, आपको डबल टैक्सेशन दिख रहा है, दिख जाएगा आराम से डबल टैक्सेशन। कैसे भाई? एक्साइज ड्यूटी लिया, 10% कितना हुआ? 5 लाख का 10% 50,000। चलो ठीक है, ये बात मान ली आपकी, है ना। लेकिन ये वैट जो है ना, ये 10% जो लग रहा है वो एक्साइज ड्यूटी के अमाउंट को जोड़ने के बाद लग रहा है, नहीं दिख रहा आपको? ये 5,50 पे वैट लग रहा है, ना कि 5 लाख पे वैट लग रहा है। अगर ये 5 लाख पे वैट लगता 10%, तो कितना होता? 50,000 होता। लेकिन अब ये 50,000 रुपये नहीं है, अब ये वैट जो लग रहा है, टैक्स जो लग रहा है, वो एक्साइज के अमाउंट को जोड़ते हुए लग रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि टैक्स पे टैक्स लग रहा है। ठीक है, अगर ये वैट 5,50 पे, 5,50 की जगह 5 लाख पे होता तो कितना होता? 50,000 रुपये। ये 55,000 क्यों आ रहा है? क्योंकि टैक्स, एक्साइज ड्यूटी भी तो टैक्स है और वैट भी एक टैक्स, दोनों की दोनों टैक्स है। ठीक है, ड्यूटी और टैक्स अभी एक ही बात मान लो आप, है ना। तो टैक्स पे टैक्स लग रहा है, नहीं लग रहा है? लग रहा है ना, ये दिक्कत थी, इसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, अब इससे क्या होता था सर? इससे क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट को तो मजे हो रहे हैं, गवर्नमेंट को तो टैक्स ज्यादा आ रहा है। देखो, इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन मतलब जबरदस्ती प्राइस क्या होते हैं? राइस करते हैं। ठीक है, और फिर डबल टैक्सेशन क्या है भैया? आपने एक चीज एक ही बार, टैक्स पे टैक्स क्यों ले रहे हो आप? ये तो गलत है ना, आप टैक्स लो, टैक्स पे भी टैक्स ले रहे हो,
तो डबल टैक्सेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इन प्रॉब्लम्स को चलते अपन क्या लेके आए, जीएसटी लेके आए हैं। और जीएसटी का फायदा क्या है, जीएसटी मल्टीपल टैक्स खत्म करके एक टैक्स है। सर मल्टीपल टैक्स कौन कौन से खत्म कर दिया आपने? कस्टम ड्यूटी तो देखो खत्म नहीं हुआ, आज भी कस्टम ड्यूटी वैसा ही है जैसे पहले था। कौन कौन से टैक्स खत्म हो गए? ये इतने सारे खत्म हो गए ना, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया, वैट खत्म हो गया लगभग लगभग सब चीजों पे, बस पेट्रोल पे है आज, क्योंकि पेट्रोल पे अभी तक जीएसटी अप्लाई नहीं हुआ। आप कॉन्ट्रोवर्सी सुन रहे होंगे पूरी पेट्रोल की, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, अपोजिशन कह रही थी कि आप पेट्रोल को जीएसटी में क्यों नहीं लेके आ रहे, तो अभी अपन अभी समझेंगे उसके बारे में ना पूरा डिटेल में। एंटरटेनमेंट टैक्स गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, सर्विस टैक्स। अब सपोज करो ये जो फैक्ट्री है सर्विस भी तो ले रही होगी ना बहुत सारी, अब ये फैक्ट्री है ना एडवर्टीजमेंट करवाती कभी कभार, तो एडवर्टीजमेंट क्या होता है, गुड्स थोड़े होता है, सर्विस होती है एडवर्टीजमेंट, तो इस फैक्ट्री को सर्विस टैक्स भी पे करना पड़ता होगा। सोचो ये बिजनेसमैन तो पागल हो जाएगा, ये सर्विस टैक्स भी पे कर रहा है, कस्टम भी पे कर रहा है, एक्साइज भी पे कर रहा है, वैट भी पे कर रहा है, ठीक है। अगर इसका माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है या विद इन द स्टेट भी घूम रहा है, तो ऑक्ट्राय भी पे कर रहा है जो अपन बोल रहे हैं चुंगी, ठीक है, और भी बहुत सारे टैक्स होते हैं, तो ये पे करता रह रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे। एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स नाम से, WCT नाम से टैक्स था, तो मतलब बिजनेसमैन के लिए कितना सारा डिफिकल्ट हो गया था इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस पे करना था, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इतने सारे टैक्स खत्म करके कौन सा टैक्स निकाल दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सिंगल टैक्स निकाल दिया। अब देखो नाम से क्या पता लग रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब ये टैक्स दोनों चीजों पे एक साथ अप्लाई हो रहा है, ये गुड्स के लिए भी है और ये सर्विसेज के लिए भी है, ठीक है। तो अब अलग अलग नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था, गुड्स के लिए जैसे कस्टम ड्यूटी अलग हो गया, एक्साइज अलग हो गया, वैट भी गुड्स के लिए था, है ना। अब सर्विस के लिए जो था जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सब किसके लिए है, सर्विस के लिए है। भाई होटल इंडस्ट्री सर्विस है, गुड्स थोड़े देती है, ठीक है, आप रूम में जाके रह के आते हो, रुक के आते हो, तो वो सर्विस है। सर्विस टैक्स भी लग रहा था, एंटरटेनमेंट टैक्स भी लग रहा था, अपन मूवी देखने जाते हैं वो भी एक सर्विस है। तो मतलब इतने सारे टैक्सेस को खत्म करके सिंगल गुड्स एंड सर्विस अब सारा एक में जोड़ दिया, ठीक है। तो अगर आपसे फायदे पूछे कभी के व्हाट, या ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, व्हाट इज द नीड ऑफ जीएसटी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ जीएसटी, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, तो सब एक ही बात है ये। तो आपको ये लिखना है कि जीएसटी से पहले मल्टीपल टैक्स हुआ करते थे, तो ये सारे मल्टीपल टैक्स खत्म करके गवर्नमेंट ने जीएसटी एक ही टैक्स निकाल दिया। तो आप लिख सकते हो वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसी नाम से जीएसटी को चला रही है भी, वन नेशन वन टैक्स। पहले शायद आपको ध्यान होगा पीवी सिंधु का एड भी आता था RSTV पे, राज्यसभा टीवी पे शायद, ठीक है, सिंधु ही थी, है ना। तो वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर, ये भी अपन समझते हैं इसका क्या मतलब है। मल्टीपल टैक्सेस आपको दिख गया खत्म हो गए यहाँ पे, ये एक ही बात है। वैसे डबल टैक्सेशन भी खत्म हो रहा है, क्योंकि पहले टैक्स पे भी टैक्स लग रहा था। कास्केडिंग इफेक्ट, इससे कास्केडिंग इफेक्ट जरूर लिख के आना है ना, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा, क्यों, क्योंकि जब टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा तो फिर इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा। फिर इतने सारे मल्टीपल टैक्स खत्म होंगे तो उससे क्या होगा बताओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। अब आपको ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एग्जाम में कई बार मेंशन करना है, मेंस के आंसर में मेंशन करना ही है, क्योंकि इंडिया की रैंकिंग कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है। अभी 77th रैंक है इंडिया की, है ना, इस साल। मतलब पहले 130 थी, फिर 100 हुई, 100 के बाद 77th हो गई, है ना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये डेटा, ये याद रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और एग्जाम में लिख के आना। तो ये सारे जीएसटी के क्या है, फायदे हैं, ठीक है। इससे और भी क्या फायदे हैं, कंप्लायंस या एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो गया। अब पहले पता है क्या होता था, पहले बिजनेसमैन को सर्विस टैक्स अलग चुकाना है, इतने सारे टैक्स चुकाने, आपको टैक्स चुकाने के लिए पता होगा रिटर्न भी भरनी पड़ती है, रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है वो जमा कराना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो टैक्स लेते हैं, भाई आपका टैक्स बना 50,000 रुपये, तो गवर्नमेंट पूछेगी ना आपसे, आपका टैक्स 50,000 रुपये निकाला कैसे आपने, तो आप बोलोगे हमारी, हम नौकरी करते हैं, तो नौकरी करने से इतनी इनकम है हमारी, हमने घर भी, जो हमारे घर है वो हमने किराए पे दे रखा है, तो उससे इतनी इनकम हुई है, हम थोड़ा बहुत बिजनेस भी कर लेते हैं तो हमारी इतनी इनकम हुई है, हमारे पास इंटरेस्ट भी आ रहा है, ब्याज भी आ रहा है, तो हमारी इतनी इनकम हुई है, तो फिर हमने इन सबको जोड़ तोड़ के अपना टैक्स निकाला है। तो गवर्नमेंट को हिसाब देते हो ना, वो हिसाब के फॉर्म को क्या बोलते हैं, रिटर्न। तो रिटर्न क्या होता है, कुछ नहीं, एक फॉर्म होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, कभी सुना होगा आपने,
इनकम टैक्स रिटर्न, वैसे ही जीएसटी में भी मतलब रिटर्न जाती है, सर्विस टैक्स में भी रिटर्न जाती थी, लग्जरी सब में रिटर्न्स भरने का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि जीएसटी क्यों आया? सबसे पहले तो जीएसटी की नीड क्या है। अच्छा, अब आप ये देख लो जरा कि जीएसटी को कौन कौन से गुड्स से भी बाहर रख रखा है, स्कोप क्या है जीएसटी का, कौन कौन से गुड्स से जीएसटी को भी बाहर रख रखा है। तो मेन एक चीज है, सबसे मेन तो है पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सब चीजें हैं ना, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एरोप्लेन में डलता है, ये सब चीजें हैं ना, और लिकर। ठीक है सर, ये पेट्रोल डीजल को बाहर रखने का क्या रीजन है? अब आप ध्यान समझो, आपने सुना होगा कि पेट्रोल के दाम हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। राजस्थान में पेट्रोल के दाम अलग है, तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम अलग हैं, ठीक है, हरियाणा में अलग है, तो वहां पे सस्ता अलग ही मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही डीजल वगैरह के भी है, ऐसे ही लिकर के भी रेट अलग अलग हो जाते हैं। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर जो दारू होती है वो सस्ती आती है। ठीक है, तो ये स्कोप है, इनको बाहर रख रखा है, इसका रीजन क्या है? अब आप ध्यान समझ लो अच्छी तरीके से एक बार। पहली बात तो पेट्रोल पे कौन टैक्स ले रहा है? वैट लग रहा है। अभी भी पेट्रोल पे क्या लग रहा है? वैट। पेट्रोल को जब आप खरीदने जाते हो, अगर आप बिल लोगे तो उस पर वैट लिखा हुआ आ जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स। सर अभी आपने बोला था वैट खत्म हो गया, वैट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, बहुत ही कम गुड्स ऐसे हैं जो जिस पर क्या लग रहा है, अभी फिलहाल वैट लग रहा है। तो ज्यादातर गुड्स पे वैट क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो खत्म हो चुका है। वैल्यू एडेड टैक्स को लोग पहले बोलते थे सेल टैक्स। ठीक है, तो पेट्रोल जो है उस पर अभी भी क्या लग रहा है? वैट लग रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स। और तो और आप ये देखो जरा, पेट्रोल के अंदर पूरा गेम क्या होता है, अगर आप समझना चाहते हो तो ये समझो। आपको पता है पेट्रोल, अपन इंडिया, इंडिया सबसे ज्यादा पेट्रोल किधर से इंपोर्ट करता है? सबसे ज्यादा इराक से, फिर सऊदी अरेबिया, एंड थर्ड नंबर इज ईरान। ठीक है, इनसे अपन कच्चा तेल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है। ठीक है, अब ये बाहर से आ रहा है, तो बाहर से आएगा तो सबसे पहले बताओ इस पर कौन सा टैक्स लगेगा? सर कस्टम ड्यूटी लगेगी, कस्टम ड्यूटी तो खत्म नहीं हुई है। कस्टम ड्यूटी ध्यान रखना, कस्टम ड्यूटी के ऊपर जीएसटी का कोई इंपैक्ट नहीं आया है, और जो आया भी है वो अपने कोर्स में इतना जानने की, इतना डेप्थ में जानने की जरूरत है नहीं आपको, है ना। ठीक है, तो आपके लिए तो आज आज भी कस्टम ड्यूटी बिल्कुल सेम है जैसे पहले लग रही थी। फिर जैसे ही वो कच्चा तेल आया, अपन उसको कहां पे लेके जाते हैं? रिफाइनरी के अंदर। आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां पे है? जामनगर के अंदर, गुजरात के अंदर रिलायंस की रिफाइनरी है। ठीक है, तो इधर लेके चले गए, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, इधर लेके चले गए। वैसे ओएनजीसी वगैरह भी रिफाइनिंग का काम करती है तेल का, तो इधर लेके चले गए, रिफाइनिंग करी। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोडक्शन हो गया ये, इसे क्या बोलते हैं? गुड्स का प्रोडक्शन हो गया। इसमें से अब पेट्रोल अलग निकलेगा, तो डीजल अलग निकलेगा, कैरोसिन अलग निकलेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें, 10 जो वैक्स होती है, ठीक है, वो भी इसके अंदर जो, ठीक है, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन वगैरह ये सब अपन देखते हैं, तो कैरोसिन वगैरह ये सब चीजें अलग अलग इससे होती जाएगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे आके, है ना। हो गया, फिर ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन हो गया। अब आपने सुना था अभी कि इंडिया में जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन करते समय कौन सा टैक्स लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। दो तरह की एक्साइज ड्यूटी थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज, आपने बोला था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई है, खत्म हो गई है, लेकिन सारे गुड्स पे नहीं हुई है। तो कौन से गुड्स पे खत्म नहीं हुई है? पेट्रोल पे खत्म नहीं हुई है। पेट्रोल पे अभी भी क्या लग रहा है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी सर किस पे लगती है? एल्कोहल पे लगती है, अभी बताया था मैंने आपको, है ना। ठीक है, जो लिकर होती है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उस पर क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो सोचो आप, मतलब अपन सबसे पहले क्रूड ऑयल पे क्या पे कर रहे हैं? कस्टम ड्यूटी। फिर उस पर क्या लग रहा है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया उसका इंडिया में, उत्पादन हो गया, फिर वो और भी महंगा हो गया होगा, फिर वो हर स्टेट में आ जाएगा, स्टेट में आके वो स्टेट में बिकेगा। स्टेट जैसे वो राजस्थान में आ गया, अब राजस्थान में पेट्रोल को बेच रहे हैं अपन, तो बताओ इस पे कौन सा टैक्स लगेगा? वैट।
वैल्यू एडिड टैक्स, वैट लगेगा। सर वैट कब लगता है? गुड्स के बेचने पे लगता है, और हर स्टेट का वैट, और वैट एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, हर स्टेट का वैट अलग अलग होता है, ठीक है। इसी वजह से अब देखो तीन टैक्स लग रहे हैं, कस्टम ड्यूटी भी लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट करने पे, रहो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इंडिया में प्रोडक्शन करने पे और इंडिया में सेल करने पे क्या लग रहा है? वैट लग रहा है। ये सारे के सारे टैक्स पेट्रोल पे अभी भी एजिटेस लग रहे हैं, इनका जीएसटी आने की वजह से कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ इस पे। तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है तो वो पूरे इंडिया में एक जैसा है, कस्टम ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है तो वो भी पूरे इंडिया में एक जैसा है, लेकिन ये जो वैट है ना हर स्टेट के अंदर डिफर होता है, अलग अलग होता है। राजस्थान के अंदर वैट की जो रेट है वो आपको याद नहीं रखनी, कौन सी रेट है क्या रेट है, हर स्टेट की वैट की रेट क्या होती है अलग अलग होती है, वैल्यू एडेड टैक्स की, सेल टैक्स की रेट अलग अलग होती है। तो बताओ इससे तीनों के तीनों अलग अलग हो गए, तो तीन तीन टैक्स लग रहे हैं। इसीलिए जो पेट्रोल बाहर से सस्ता आता है वो इंडिया में आके क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। जब बेचते हैं अपन, खरीदते हैं तो 80 रुपये लीटर, 75 रुपये लीटर, 70 रुपये लीटर तक, अभी आपने देखा था कई स्टेट में तो 100 रुपये लीटर तक पहुंच गया था ये क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे थे। तो अपोजिशन बार बार क्या कहता है इसके अंदर, या फिर कोई भी पार्टी दूसरी क्या कहती है, इसको जीएसटी के दायरे में ले लो। तो जब ये जीएसटी के दायरे में आएगा तो क्या होगा? कस्टम ड्यूटी तो लगती रहेगी, कस्टम ड्यूटी पे तो कोई इंपैक्ट आएगा नहीं जीएसटी का, केवल किस किस पे आएगा? ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो जाएगी और ये वैट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों टैक्स जब खत्म हो जाएंगे तो फिर जीएसटी लगेगा, और वो अगर सपोज करो कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है सपोज करो 20% की, और स्टेट का वैट लग रहा है सपोज करो 15% का, तो ये 35% टैक्स लग रहा है। और आपको पता है जीएसटी के अंदर जो मैक्सिमम रेट है वही 28% है, ठीक है ना। जीएसटी के अंदर आपने रेट सुनी होगी, एक तो 0% रेट होती है, एक 5% रेट होती है, एक 18 होती है और एक 28 होती है, ठीक है। ये चार रेटें होती है जीएसटी के अंदर। तो अगर इनमें से कोई सी मान लो 18% लगा दिया गवर्नमेंट ने, 28% लगा दिया, तो पेट्रोल की कीमत अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये पेट्रोल का पूरा इशू ये है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछ ले या फिर कभी मेंस के अंदर सवाल आ जाए कि पेट्रोलियम क्या का कॉन्सेप्ट है, तो मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया, क्योंकि अभी पूरा पेट्रोल के दाम क्या है सुर्खियों में चल रहे थे इकोनॉमी के अंदर, इसलिए मैंने आपको ये पूरा समझा दिया, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और बहुत ज़्यादा टैक्स की डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए आप, बहुत है, ठीक है। देखो हम लोग तो इसको टैक्स को करीबन 10 साल हो गए करीबन करीबन पढ़ते पढ़ते ना, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको इतना सारा टैक्स थोड़े बताऊंगा, अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप छोड़ दोगे सारी पढ़ाई और टैक्स ही पढ़ने लग जाओगे, क्योंकि टैक्स अपने आप में पूरा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। टैक्स हम लोग करीबन 2 साल, मतलब 3 या 4 साल करीबन करीबन सीए में टैक्स ही पढ़ते हैं, तो सोचो इतना वाइड है टैक्स, ठीक है। तो अपन तो यहाँ पे केवल टैक्स का बेस डिस्कस कर रहे हैं, जो अपने रिफॉर्म्स टाइप है वो, ठीक है। तो उसको उतना ही अपन समझे ज्यादा बेटर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपन आते हैं क्या है? कि ये देख लिया अपन ने कि टैक्स के जीएसटी क्या फायदे हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं जरा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ क्या जीएसटी के आने से। तो हाँ सर, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, बताओ कौन सा अमेंडमेंट था? 101 अमेंडमेंट था, 101 अमेंडमेंट था, ठीक है। इसको 122वां भी कहते हैं कई लोग, ठीक है। तो वो आप समझते होंगे ना कि 122 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की कोशिश करी है, लेकिन हुआ कितनी बार है? 101 बार। तो वो दोनों चीजें अलग अलग होती है ना, ठीक है। तो 101 अमेंडमेंट है ये। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करने की नीड क्या आई? आपको पता है इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, फेडरल कंट्री के अंदर क्या होता है, पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है। सेवंथ लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की, सेवंथ शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में पावर्स जो है वो क्लियरली डिवाइडेड है। तो क्या था पहले, इस जीएसटी के आने के पहले क्या व्यवस्था थी इंडिया में, कि स्टेट गवर्नमेंट का राइट था गुड्स के सेल पे टैक्स लेना, ठीक है। जैसे क्या मैंने बताया, वैट, वैट तो हर स्टेट की गवर्नमेंट जो है वैट अलग अलग लेती थी, आज भी लेती है, लेकिन केवल पेट्रोल और लिकर पे लेती है, क्योंकि जीएसटी पेट्रोल और लिकर पे नहीं लगता, बाकी सब चीजों पे लग रहा है फिलहाल ये है। सेंट्रल गवर्नमेंट
किस पे ले रही थी? गुड्स के प्रोडक्शन पे ले रही थी। अच्छा, आप ये तो समझ गए ना, प्रोडक्शन में और सेल में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, सेल मतलब होता है बिक्री, ठीक है। तो गुड्स के प्रोडक्शन पे कौन ले रहा था टैक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही थी, ठीक है। तो ये पावर बिल्कुल क्लियरली डिवाइडेड थी। तो गुड्स के प्रोडक्शन मतलब एक्साइज ड्यूटी, तो कौन सी एक्साइज ड्यूटी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। हाँ, बस ये एक्सेप्शन था कि अगर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है और वो गुड्स हैं एल्कोहल, तो उस पर कौन टैक्स लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता है कि एल्कोहल जो होती है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, है ना, मदिरा सेवन, ठीक है, इंसानों के लिए, तो उस पे उसके प्रोडक्शन पे किसके पास पावर है आज भी? स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि अल्कोहल पे जीएसटी अभी नहीं लग रहा। तो ये हिसाब किताब था पहले, लेकिन जीएसटी के आने की वजह से ये सब चीजें चेंज करनी पड़ रही है। कैसे? आपने ये तो सुना ही होगा, जीएसटी के ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ जीएसटी का कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट मतलब क्या होता है? विद इन द टू स्टेट, जैसे राजस्थान का माल यूपी में बिक रहा है, राजस्थान का व्यापारी यूपी में माल बेच रहा है, तो वो इंटर स्टेट कहलाता है। लेकिन राजस्थान का माल राजस्थान के अंदर ही बिक रहा है, चाहे वो राजस्थान का माल मतलब जयपुर का माल जयपुर में बिके, या जयपुर का माल अलवर में बिके, या अलवर का माल अजमेर में बिके, ये क्या कहलाएगा? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब क्या होता है? विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर अंदर, स्टेट के बाहर नहीं जा रहा। और इंटर मतलब बिटवीन द टू स्टेट्स, बिटवीन द टू स्टेट्स, दो राज्यों के बीच में। तो आपने सुना होगा जीएसटी के अंदर क्या होता है, इंटर स्टेट अगर सेल होती है, दो राज्यों के अंदर माल बिकता है, तो उस पर जो टैक्स लगता है जीएसटी, उसे बोलते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है सर? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और सर अगर विद इन द स्टेट माल बिकेगा तो क्या लगेगा? दो चीजें लगेगी फिर, सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट और सेंट्रल गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। मतलब आप कभी डोमिनोज में खाना खाने जाते हो तो उस पर कौन सा टैक्स लगता है, हमेशा ध्यान रखना, ये सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है। कभी बिल देखो तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन ज्यादातर अपने ट्रांजेक्शन जो करते हैं वो इंट्रा स्टेट करते हैं, विद इन द स्टेट करते हैं। लेकिन किसी व्यापारी से पूछो, आपके कोई गली में कपड़े की दुकान होगी, और अगर वो दुकान के पास जीएसटी का अगर वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के बैठा है, तो अगर वो जो कपड़े वाले होते हैं ज्यादातर दिल्ली से माल खरीदते हैं, आपने देखा होगा, तो वो लोग क्या है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं विद इन टू स्टेट्स, ठीक है। तो इस पे क्या लगता है? आईजीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा सर, थोड़ा और इसके बारे में बताओ जरा। तो देखो सिंपल ये है, अभी मैंने आपको बताया था जीएसटी कितनी रेटें होती हैं, ये ध्यान रख लेना इंपॉर्टेंट है, 0%, 5%, 18% और 28%। थोड़ा थोड़ा जान लो कौन कौन से गुड्स आते हैं, पूरा नहीं जानना है ना। 28% में वो गुड्स आते हैं जो होते हैं डीमेरिट गुड्स, इनको इस कैटेगरी को कहते हैं डीमेरिट गुड्स या लग्जरी गुड्स। अब जैसे सिगरेट हो गया, सिगरेट अपन पीते हैं, ठीक है, तो वो किस परसेंट पे आएगा? 28% पे आएगा। कार्स हो गई, महंगी महंगी कार हो गई, ठीक है, कालीन हो गया, कालीन कारपेट हो गया, महंगा है ना, ठीक है, तो ये 28% पे जाएगा। ज्यादातर घरेलू सामान अपने 5% पे आ रहे हैं। अब जैसे आप चाय लेके आते हो घर के लिए ना, ठीक है, चाय का पैकेट लेके आते हो, कोई सा भी पैकेट लेके आओ, टाटा टी लेके आओ, कोई सा भी टी लेके आओ आप, ठीक है, तो वो 5% की रेट से उस पर टैक्स लगेगा। 0% मतलब कई गुड्स ऐसे होते हैं, कई सर्विस गुड्स एंड अच्छा ध्यान रखना, गुड्स और सर्विस दोनों पे लग रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे आप किसी कोचिंग में जाते हो, तो आपने देखा होगा कोचिंग वाले आपसे 18% रेट से जीएसटी लेते हैं। आप किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, 18% से जीएसटी लगता है। तो अब वो टेस्ट सीरीज क्या है? सर्विस है, ध्यान रखना, गुड्स नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे लेकिन आप कोई डिटर्जेंट पाउडर लेने जाओ
तो उस पर कितना परसेंट टैक्स है? 18% टैक्स है। आप कभी डोमिनोज जाओगे तो उस पर अलग अलग रेट होती है, कुछ कुछ आप प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिस पर 5% टैक्स लगता है, कुछ पे 18, कुछ पे 28, ठीक है। तो ज़्यादातर जो घरेलू सामान है उस पर 5% टैक्स लग रहा है, 28% ध्यान रखना कि जो बहुत ही महंगे गुड्स होते हैं, 0% जो बहुत ही असेंशियल कमोडिटी होती है जैसे स्टेशनरी, बुक्स। अब बुक्स पे कोई टैक्स नहीं है, मतलब एजुकेशन पे कोई टैक्स नहीं है। अगर स्कूल में आप फीस जमा कराते हो तो उस फीस में टैक्स नहीं है, लेकिन हाँ कोचिंग की फीस पे आपको टैक्स लगेगा वो, ठीक है। कोचिंग्स पे टैक्स लगा रहे हैं गवर्नमेंट, है ना। सबसे ज्यादा ध्यान रखना पहले जो सर्विस टैक्स है ना, ये आपको एक चीज बताता हूँ कि सर्विस टैक्स जो है सबसे ज्यादा वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जमा कराते थे, तो बस इतना समझ लो आप, है ना। तो 0% टैक्स बुक्स पे, हॉस्पिटल्स पे, ये सब सर्विसेज हैं तो ये बहुत जरूरी हैं, ठीक है। एजुकेशन पे, इन पे 0% टैक्स है। हाँ लेकिन अगर एजुकेशन बिल्कुल प्राइवेट है, कोचिंग्स हैं, तो उस पर टैक्स लगता है 18% की रेट से, वो मैंने आपको बता दिया, तो ये इतना आप याद रखना। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 18% का, ठीक है। आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने और उससे आपने उन्होंने आपसे 18% टैक्स लिया। अब वो 18 कैसे लेंगे? CGST लेंगे 9%, SGST कितना लेंगे? 9%। तो ये 9 + 9 ऐसे 18 होता है। इसी तरीके से मान लो आप घर के लिए चाय का पैकेट लेने गए किसी दुकान से, 5% GST रेट है, तो CGST कितना लगेगा? 2.5%। 2.5% क्या लगेगा? SGST लगेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखनी है बातें। कुछ यूटी होती है, यूनियन टेरिटरी अपन जानते हैं, 7 यूनियन टेरिटरी इंडिया में, तो उस पे जो टैक्स होता है उसे बोलते हैं यूटी जीएसटी। तो होता कुछ नहीं है, जैसे अपन ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जगह यूटी जीएसटी हो जाता है। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो आप तो, कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की तरह यूटी जीएसटी होता है, बिल्कुल, है ना। आपको पता है कुछ स्टेट होते हैं, कुछ यूटी होते हैं, क्लियर क्या? तो ये मैंने आपको काफी सारी बातें जीएसटी की डिस्कस कर ली। अब इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है? जो 2016 के मेंस में क्या बना था क्वेश्चन? व्हाट इज ड्यूल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी? आप 2016 का मेंस पेपर खोलो, क्या पूछा था उसमें? ड्यूल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी क्या होता है? तो क्या है आंसर इसका? ये सिंपल, इंटर स्टेट के अंदर आईजीएसटी, इंटर स्टेट के अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है, जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे क्या बोलते हैं? ड्यूल स्ट्रक्चर। ड्यूल मतलब डबल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। आपको पता होगा 2018 के प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, रेट से रिलेटेड पूछा था, कि चार प्रोडक्ट दे रखे थे, उसमें पूछा था कौन से प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है, तो कौन सा प्रोडक्ट था? घी, ठीक है। देखो आप उसके अंदर, तो घी, घी चाय वगैरह इन सब पे जीएसटी लगता है, तो वो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा था बिल्कुल एग्जाम में, है ना, ठीक है। 2018 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, तो मेरे को लगता है 2018 के मेंस में अब की बार क्वेश्चन पूछ सकता है, और आगे भी ये तो जीएसटी 2-3 साल तक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो जीएसटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है सिंस इंडिपेंडेंस, है ना। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म्स है। रिफॉर्म समझ में आया क्यों है? क्योंकि देखो इसने डबल टैक्सेशन खत्म कर दिया, बहुत सारे टैक्सेस को एक साथ सब्स्यूम कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द टैक्सेस विच आर सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, व्हाट इज ड्यूल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नीडेड। तो समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी क्यों जरूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर फेडरल पावर थी और ये डिवाइडेड थी, लेकिन जब मतलब जीएसटी लगा तो सोचो गुड्स और सर्विस दोनों पे एक साथ टैक्स लग रहा है, ठीक है, गुड्स और सर्विस दोनों पे एक साथ टैक्स लग रहा है। और दूसरी बात, सेंट्रल और स्टेट दोनों की दोनों मिलके टैक्स ले रहे हैं। अब जीएसटी प्रोडक्शन पे भी लग रहा है और सेल पे भी लग रहा है, और अलग अलग नहीं लग रहा, एक साथ ही लग रहा है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो आज कोई फैक्ट्री है, अब वो कार बनाने वाली फैक्ट्री है, एक बार आप एग्जाम्पल देखना, अब वो कार बनाने वाली फैक्ट्री है, वो सबसे पहले कार के लिए रॉ मटेरियल खरीद के लेके आएगी, तो पहले क्या पे करेगी? कस्टम ड्यूटी। पहले भी कस्टम ड्यूटी पे करती थी, ठीक है सर। मैन्युफैक्चरिंग करके जैसे ही वो फैक्ट्री से बाहर निकालेगी, 5 लाख की कार है, पहले क्या होता था? 10% एक्साइज ड्यूटी, फिर 5.5 लाख हो गया, फिर 5.5 लाख पे 10% वैट, ठीक है। तो ऐसे अब मान लो जीएसटी की रेट सपोज करो एक बार 18% लगाई है गवर्नमेंट ने, तो सिंपल क्या करेंगे? 5 लाख के बिल पे
एसजीएसटी कितना, 9%, ठीक है, और सीजीएसटी कितना, 9%, 90, 45,000 और 45,000, 18×5=90 होता है ना, तो ये हो जाएगा 5,90,000 का बिल हो गया आपका कार का। अब मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग एक साथ गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग एक साथ गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि गुड्स के प्रोडक्शन पर टैक्स लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और गुड्स के सेल करने पर टैक्स लेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। लेकिन अब क्या बोला कि प्रोडक्शन और सेल दोनों पे गवर्नमेंट मिला के टैक्स लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी, तो ओवरलैप हो रहा है कुछ, इसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत थी। तो 101 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, और क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर कवर होता है, और साथ के साथ क्योंकि इसमें फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स चेंज हो रही है, तो ये वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसमें 50% स्टेट्स की रेटिफिकेशन जरूरी है। मतलब पहले लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, और उसके बाद मिनिमम 50% स्टेट्स की अप्रूवल भी ली गई थी इसके अंदर, है ना। आपने पॉलिटी पढ़ा है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको पता होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ठीक है, पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर चेंज होगा तो उसमें 50% स्टेट की भी मंजूरी ली जाएगी ना, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई आपको। तो अपन ने बेसिक बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली, अब अपन डिस्कस करते हैं, जैसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कब कराना पड़ता है। देखो रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, सिंपल एग्जाम में पूछ सकता है, किस व्यक्ति को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में रहते हो। अगर आप सपोज करो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहते हो, पता है वो 8 स्टेट होते हैं सिक्किम को मिला के, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम और हिली स्टेट्स जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और आपका साल भर का टर्नओवर मतलब सेल्स, साल भर की सेल्स 10 लाख से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आप इनके अलावा अदर स्टेट और यूटी में हो, अदर स्टेट्स एंड यूटी के अंदर हो, यूनियन टेरिटरी के अंदर हो, तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, ये इन्होंने रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट लिख रखी है। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन मतलब करा लो आप, फ्री में होता है रजिस्ट्रेशन, हालांकि ये बात अलग है कि सीए जो है अपनी फीस लेता है रजिस्ट्रेशन की, कोई 1,000 रुपये लेता है, कोई 2,000, कोई 3,000, कोई 4,000, है ना, लेकिन यहां पे ध्यान रखना जीएसटी का एक नंबर मिलता है, ठीक है, तो जीएसटी का एक नंबर मिलता है रजिस्ट्रेशन कराने पे, तो वो नंबर फिर आपके हर जगह रोल नंबर की तरह काम में आता है। जैसे परमानेंट आपने इनकम टैक्स में सुना होगा लोगों के पास पैन कार्ड होता है, आपके पास भी होगा, हो सकता है पैन कार्ड, क्लियर, तो ये रजिस्ट्रेशन टॉपिक इतना सही है, सिंपल सा। एग्जाम में और क्या क्वेश्चन बन सकता है, अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि करके ना, सारे के सारे टॉपिक इसमें जीएसटी में कवर कर लेंगे। एक होता है जीएसटीएन, मेरे को लगता है इस बार इस पर क्वेश्चन आ सकता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। सर आपको क्यों लगता है इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए लगता है क्योंकि ना इस बार सितंबर महीने के अंदर, सितंबर 2018 के अंदर इसका जो मतलब स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया। पहले क्या होता था, अच्छा ये पहले होता क्या है ये समझते हैं अपन, है ना, आपने सुना होगा जी दोस्तों के ना जीएसटी के आने की वजह से सब चीजें ऑनलाइन होने लग गई, ठीक है, मतलब कैसे, जो भी पर्सन जीएसटी फाइल करता है वो ऑनलाइन जीएसटी फाइल करता है, ठीक है, रिटर्न्स जमा कराते हैं, रिटर्न मैंने क्या बताया था, एक फॉर्म होता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपकी सेल कितनी है, आपकी परचेज कितनी है, उसके बारे में डिटेल होती है, ठीक है, आपने माल कितना बेचा और कितना खरीदा,
इसी के हिसाब से तो जीएसटी निकलेगा अपना, ठीक है। जीएसटी कैसे निकालते हैं बताएंगे आपको। तो ये रिटर्न जो होती है उसका एक फॉर्म होता, मतलब वो फॉर्म होता है ना, और ये एवरी मंथ जमा होती है। रिटर्न जो होती है जीएसटी के अंदर, जो रिटर्न होती है हर महीने जमा होती है, एवरी मंथ, ठीक है। ठीक है सर, तो अब इसके लिए क्या चाहिए होगा, पूरा एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, पोर्टल चाहिए होगा एक पूरा। तो आप देखो कभी जीएसटी पोर्टल बना हुआ है गवर्नमेंट का, आप देख सकते हो, ठीक है। लॉगिन आईडी पासवर्ड लेना पड़ता है उसमें, आप लॉगिन करो आराम से, आप हर महीने रिटर्न भरो, है ना। आपको हर महीने क्या जमा करानी है, रिटर्न जमा करानी है, टैक्स भी हर महीने भरना है आपको। कोई नया ग्राहक है जीएसटी का तो वो रजिस्ट्रेशन कराएगा पहली बार, ठीक है, वो भी ऑनलाइन होता है जीएसटी का पूरा रजिस्ट्रेशन। कई लोग जिनका बिजनेस बंद हो जाता है तो वो जीएसटी से डी रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने आप को। तो बताओ ये सब चीज़ें, इन सब के लिए क्या चाहिए होगा, एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईटी, आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियर्स हैं तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है पूरी की पूरी। ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक कंपनी बनाई थी गवर्नमेंट ने, उसका नाम था जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, वो नेटवर्क है ना, जीएसटीएन मतलब एन मतलब नेटवर्क है यहाँ पे। ये जब कंपनी फॉर्म करी थी तो किस में फॉर्म करी गई थी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। आपको बताया था मैंने कंपनी एक्ट कौन से ईयर में आया था, 2013 में आया था, ठीक है। पहले 1956 वाला था लेकिन सत्यम के अंदर घोटाला हुआ 2007-08 के अंदर, तो गवर्नमेंट ने सीए पे बहुत सारी जिम्मेदारी डाल दी और कंपनी के डायरेक्टर पे भी बहुत सारी जिम्मेदारी डाल दी कि बोले सीए और कंपनी के डायरेक्टर ने मिलकर घोटाले कर दिए। तो 2013 के अंदर क्या करते हैं, नया कंपनी एक्ट ले आते हैं और वो बहुत स्ट्रिक्ट बना देते हैं, तो ऐसा हुआ था। फिर कंपनी बनाई, कंपनी कैसी है सर, प्रॉफिट कमाने के लिए है, नॉन प्रॉफिट कमाने के लिए। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, सरकार की कंपनी है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट कंपनी है। सर कौन सी कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है। सब प्राइवेट कंपनी क्यों है, क्योंकि इसके 49% शेयर जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे और स्टेट गवर्नमेंट के पास थे, और बाकी के 51% शेयर्स जो थे वो कुछ कंपनी के पास थे, जैसे LIC, HDFC, HDFC, HDFC बैंक अलग अलग है पता है आपको, ICICI बैंक ऐसे, ठीक है। 49% में से भी कितना हुआ था, 24.5% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास 24.5%, ठीक है। क्योंकि अब आपको पता है कि जीएसटी के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। अभी अभी गवर्नमेंट का डेटा आया, गवर्नमेंट बहुत खुश हुई डेटा से कि 1 महीने के अंदर जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है, 1 लाख करोड़ पे, तो मज़ा आ गया है ना। मतलब सोचो जीएसटी का कलेक्शन एक एक महीने का कितना है, अब 1 लाख करोड़ पे, ठीक है। ये मंथली कलेक्शन है गवर्नमेंट का, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, कुछ एग्जैक्ट फिगर नहीं है ना, आप ये ध्यान रख सकते हो और एग्जाम में कोट कर सकते हो, ठीक है, मेंस के अंदर काम आएगा। ऐसे छोटे छोटे फिगर्स आप एक फैक्ट डायरी बना सकते हो, उसमें लिख सकते हो, वरना इधर भी बहुत है। तो सोचो आप 49% शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और 59% क्या है, कुछ कंपनीज के पास है। तो गवर्नमेंट ने बोला यार अब इतने लोग जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इनका डेटा वेटा क्या है, प्राइवेट मतलब ओनरशिप जो है ना वो हमारे पास रहनी चाहिए। तो काफ़ी टाइम से बात चल रही थी अप्रैल से, तो फाइनली गवर्नमेंट ने इस सितंबर के अंदर 2018 के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि जीएसटी नेटवर्क के अंदर 100% शेयर के किसका होगा, 100% शेयर सरकार का होगा, गवर्नमेंट का होगा, इनको बाहर निकालेंगे हम, ठीक है। शेयर मतलब अपन जानते हैं, अपन ने शेयर वाली क्लास डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो ये सब पीछे से लिंक के अपन काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके पास शेयर होता है उसके पास ओनरशिप होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात पता होगी, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं, मैं ना ये जेब में से निकाल के ये बार बार है ना ये माइक जो है ना इसका चेक करता रहता हूँ कि इसके अंदर कहीं बैटरी वैटरी तो नहीं खत्म हो गई है, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि मैंने वीडियो बना दिया, ठीक है, और पता लगा बीच में बैटरी खत्म हो गई, और वो वीडियो 1 घंटे का था,
ठीक है, ये मेरे साथ हुआ था दिवाली वाले दिन से, दिवाली वाले दिन से एक दिन पहले, तो फिर मेरे को पूरा वीडियो वापस बनाना पड़ा। ठीक है, इसलिए मैं ये बार बार चीज़ चेक करते रहता हूँ कि यार वो कहीं बैटरी वैटरी तो बीच में ख़त्म ना हो गई हो। चलो अब अपन आते हैं, डिस्कस करते हैं क्या ये जीएसटी नेटवर्क समझ लिया। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ई वे बिल, कि मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। ई वे बिल से पहले आप चलो एक और चीज समझो, ई वे बिल से पहले कि जीएसटी का टैक्स का पेमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आपको समझ में आएगा जीएसटी का टैक्स का पेमेंट होता कैसे है। ठीक है, थोड़ा समझ लो, इंपॉर्टेंट है चीज। ठीक है, कोई भी चीज आपको बेमतलब में नहीं पढ़ाई जा रही है ना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा, वरना हम लोग पूरी जीएसटी किताब पढ़ते हैं लेकिन आपको वो पढ़नी नहीं है, अपन केवल उसमें से 4-5 पेज जो है उस वो डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स के। आपके सामने कोई दुकानदार है, आप उसका एग्जाम्पल लो, आपके सामने गली के अंदर कोई भी दुकानदार है, आप उसको इमेजिन करो, किराने की दुकान है किसी की, वो क्या करता है, वो दुकानदार माल खरीदता होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है, और माल खरीद के सिंपल ये दुकानदार भाई क्या करता है, इसको माल को बेच देता है। ठीक है, सपोज करो ये 1 लाख रुपए का सामान खरीदता है, सर इसका काम क्या है बताओ, इसका काम है चाय चीनी चावल वगैरह ये सब खरीदता है, 1 लाख रुपए का सामान खरीदता है, इस पे 10,000 रुपये जीएसटी पे करता है, आधा तो सीजीएसटी पे करता होगा, आधा एसजीएसटी, मान लो 10% की रेट है एग्जाम्पल सिंप्लिसिटी के लिए, तो 5,000 तो सीजीएसटी, 5,000 एसजीएसटी, तो एक बार तो आप ये मान लो कि ये सिंपल टैक्स है जीएसटी, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, तो ये 1,10,000 रुपये टोटल इसने पे कर दिए। ठीक है, इसने किसी से माल खरीदा, ठीक है, ये आपकी गली में दुकानदार है, इस दुकानदार ने खुद का प्रॉफिट जोड़ा, खुद का प्रॉफिट जोड़ा 50,000 रुपये। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना है ना, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल है ना, ठीक है, उसको अपन रट नहीं सकते, दिक्कत ये है। तो अब क्या है, सपोज करो ये 1 लाख रुपए के गुड्स इसने परचेज किए हैं, परचेज है इसकी, अब आप मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, इसकी कॉस्ट क्या है, लागत क्या है, आप बोलेंगे सर 1 लाख रुपए का तो गुड्स परचेज किया, 10,000 का टैक्स पे करा, 1,10,000 कॉस्ट है, मैं कहूंगा 1,10,000 गलत है, आप 1 लाख कॉस्ट मान लो एक बार, सर आप बोलोगे नहीं नहीं सर 1,10,000 ही तो पे करें इसने, तो आप फिर भी मेरी कहने पे एक बार कितनी कॉस्ट मान लो, 1 लाख रुपए कॉस्ट मान लो, ठीक है सर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, वैसे तो हमें गलत लग रहा है, कोई बात नहीं एक बार मान लो, आप कितनी कॉस्ट है इसकी, 1 लाख रुपए, लेकिन सर जो इसने 10,000 पे करें वो अभी इसको अपन वापस ले आएंगे इसके पास, है ना, इसको मिल जाएंगे इसके 10,000, टेंशन मत लो आप, कितने रुपए प्राइस हो गई, अब ये कितने रुपए में बेचेगा इसको बताओ, ये बेचना चाहता है इस गुड्स को, सेलिंग सेल्स कितने में करना चाहता है इस गुड्स को, 1.5 लाख में करना चाहता है, जैसे ये माल बेचने ज्यादा जा रहा था, गवर्नमेंट आ गई पीछे से बोलती है ठहरो, ठीक है, शक्तिमान आया था ना, शौर्य शक्तिमान है ना, तो इसको क्या बोला गवर्नमेंट ने, ठहर जाओ भाई, 1.5 लाख रुपए का माल नहीं बेच सकते तुम, तुम्हें इस पे क्या जोड़ना पड़ेगा, टैक्स भी जोड़ना पड़ेगा, जीएसटी भी जोड़ना पड़ेगा, तो कितना जोड़ेंगे, 10% मान लेते हैं, मतलब ये कस्टमर से कितने रुपए लेगा, 1,65,000 लेगा, 1.5 लाख तो गुड्स के और 15,000 टैक्स के। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ इसके पास जीएसटी के कितने रुपए आ गए, 15,000 आ गए, है ना, इसने कुछ जीएसटी माल खरीदते समय दिया था क्या, हाँ सर दिया था, कितने रुपए दिया था, 10,000 दिया था, गवर्नमेंट इसके सामने बैठी है और इसका हिसाब किताब कर रही है ना, सरकार बैठी है और सरकार बोल रही है भाई बता तेरे पास टैक्स कितना आया, ये बोल रहा है 15,000 रुपये, सरकार पूछ रही है बता तेरे टैक्स खरीदते समय कितना दिया था, इसने बोला 10,000 रुपये, तो गवर्नमेंट बोलती है ला 5,000 रुपये वापस दे दे हमें, बस 5,000 दे दे बाकी तू रख ले, मतलब 15,000 रुपये में से 10,000 गवर्नमेंट इससे बोलती है तू खुद रख ले अपने पास और 5,000 में वापस दे दे, सर ये गवर्नमेंट ने ये क्यों बोला 10,000 अपने पास रख ले, क्योंकि इसने 10,000 पहले ही जमा करा रखे थे ना, ठीक है, इसके पास 15,000 आए, 15,000 में से 10,000 रुपये ऑलरेडी जमा करा चुका है,
तो गवर्नमेंट अब इसे क्या बोल रही है, केवल कितने रुपये जमा करा दे, 5,000 रुपये जमा करा दे। सर ये 15,000 को क्या बोलते हैं, ये टैक्स किस पर आया, गुड्स को बेचने पे। इसे अपन बोलते हैं जीएसटी की लैंग्वेज में आउटपुट टैक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। माल खरीदते समय इसने कितना टैक्स दिया था, 10,000 रुपये, इसे क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स अगर ज्यादा है इनपुट टैक्स से तो इसे बोलते हैं टैक्स पेबल। टैक्स पेबल मतलब इतना ये लाइबिलिटी आपकी, ये आपको टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, कितने रुपए टैक्स जमा कराना पड़ेगा, 5,000 रुपये टैक्स जमा कराना पड़ेगा। सर थोड़ा सा और बता दो इसके बारे में तो मजा आ जाए। देखो जरा भाई, बात ऐसी है, आप कहोगे सर कि ना इसने माल खरीदते समय जो टैक्स दिया था वो तो किसी व्यापारी को दिया होगा, ये जो दुकानदार है इसका नाम है एक्स, आपकी गली के जो सामने बैठा है ना, गली के अंदर जो बैठा है दुकान लेके, इसने जो माल खरीदा वो खरीदा वाई से। ठीक है, आप बोलोगे सर वाई से माल खरीदा था जब इसने, जब 1,00,000 प्लस 10,000, तो उसने वाई को टैक्स दिया था। लेकिन भाई दोस्त, बात ऐसी है कि जो ये वाई को इसने टैक्स दिया था एक्स ने, वाई ने ये टैक्स किसको जमा करा दिया था, 10,000 रुपये सरकार को जमा करा दिया होगा, गवर्नमेंट को जमा करा दिया होगा। तो मतलब कुल मिला के एक्स से टैक्स 10,000 रुपये पहले वाई के पास गया, और वाई से टैक्स किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास। यही तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसमें टैक्स का बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट कर देते हैं। मतलब एक्स ने टैक्स का बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया था, वो वाई ने टैक्स का बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया था, एक्स पे। मतलब वाई तो केवल एक ब्रिज है ना, किसके बीच में, गवर्नमेंट और एक्स के बीच में। गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है इसके कंज्यूमर से, गवर्नमेंट किससे लेना चाहती थी टैक्स, जो ये गुड्स कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पहले टैक्स किससे लिया, मतलब वाई को बोला, वाई ने टैक्स किससे ले लिया, एक्स से ले लिया। जब पता लगा कि एक्स भी कंज्यूमर नहीं है, ठीक है, कंज्यूमर कोई और पर्सन है, मान लो भाई दुकानदार तो एक्स है, आपने ये माल खरीद लिया सपोज करो 1,50,000 रुपए का, तो कंज्यूमर आप हो, तो गवर्नमेंट कहती है आप पे टैक्स लगना चाहिए, बर्डन किसको शिफ्ट होना चाहिए, कंज्यूमर पे। तो इसीलिए 15,000 रुपये टैक्स किससे ले लिया, आपसे ले लिया, आपने 15,000 रुपये टैक्स दिया, आपके जो सामने गली का जो एक्स है दुकानदार आपके सामने बैठा है, उसने 15,000 रुपये टैक्स ले लिया आपसे। मतलब 15,000 में से वो ऑलरेडी 10,000 रुपये गवर्नमेंट को दे चुका है, अब वो गवर्नमेंट को कितने रुपये पे करने के लिए लाइबल है, 5,000 रुपये पे करने के लाइबल है। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो मल्टी पॉइंट टैक्स है, जीएसटी इज अ मल्टी पॉइंट टैक्स, मतलब सबसे पहले टैक्स किसने भेजा, वाई ने। ठीक है, लेकिन आप देखो वाई की जेब से कुछ लग रहा है क्या, नहीं, वाई ने वो टैक्स किससे ले लिया था, एक्स से ले लिया था। फिर सेकंड नंबर पे टैक्स किससे लिया गवर्नमेंट ने, एक्स से। भाई वाई से गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लिया, 10,000 रुपये, एक्स से गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लिया, 5,000 रुपये। तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कितना आ गया, टोटल 15,000 रुपये। समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज क्या थी, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मतलब क्या होता है, जो टैक्स अपन माल खरीदते समय देते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। अब मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ लोग बार टैक्स की चोरी कैसे करते हैं इसके अंदर, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो। अगर ये आपको चीजें समझ में आ गई तो आप आराम से एग्जाम में बड़े से बड़ा आंसर लिख सकते हो जीएसटी से रिलेटेड। देखो हम लोग प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, साथ में ना पढ़ाते भी हैं, तो प्रैक्टिस भी करते हैं। आपको पता होगा जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही सीए भी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब सीए का काम करना जैसे टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल करने का काम होता है। तो हमारे कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो हमेशा बोलते रहते हैं सर टैक्स बचाना है, टैक्स बचाना है। ठीक है, तो हम जैसे जिन पहले ऑफिस में जाते थे, हमारी ट्रेनिंग होती थी, तो हम ये चीज़ें देखते रहते थे कि कुछ क्लाइंट होते थे, जैसे मान लो अब ये क्लाइंट है, इसका नाम है एक्स एंड कंपनी, ये माल कितने रुपए का बेच रहा है साल के अंदर, 10 लाख का, 10 लाख का बेच रहा है तो उस पर टैक्स ले रहा होगा 10%। कितने रुपए टैक्स हो गया, मतलब कितने रुपए का माल टोटल बेच दिया इसने, 11 लाख रुपए का, 10 लाख का माल बेचा उस पर टैक्स कितना ले लिया, इस 10 लाख के माल में प्रॉफिट वगैरह सब शामिल है। ठीक है, इसने जब माल खरीदा होगा, परचेस किया होगा, सपोज करो ये माल खरीदा था 6 लाख में,
और टैक्स पर खरीदते समय कितना दिया था? 60,000 रुपये, 660। अब मैं आप सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, एक्स एंड कंपनी को, गवर्नमेंट को, सरकार को कितने रुपए टैक्स देना है अभी? तो आप क्या बोलेंगे? सर माल बेचते समय टैक्स कितना है? आउटपुट टैक्स कितना है? 1 लाख, दिस इज आउटपुट टैक्स। इसने माल खरीदते समय क्या पे करा है? इनपुट टैक्स। कितने रुपए पे करा है इनपुट टैक्स? 60,000 रुपये। ईमानदारी से टैक्स भरेगा तो कितने रुपए टैक्स भरना चाहिए इसको? 40,000 रुपये। ये टैक्स पेबल है, लाइबिलिटी, ये पर्सन क्या करेगा टैक्स बचाने के लिए? पता है क्या करता है ये अपनी सेल को कम कर देता है। ये सेल 10 लाख नहीं दिखाता है, ये सेल दिखाता है कितनी? 8 लाख रुपए। 8 लाख सेल दिखाएगा तो कितना मानेगा, कितना जीएसटी आया है? 80,000। सॉरी, 80,000 जीएसटी आया है, ठीक है? तो आउटपुट टैक्स 80,000 है। माल खरीदते समय इसने कितना टैक्स दिया था? 60,000 रुपये इनपुट टैक्स। इसका टैक्स पेबल कितना हो गया? 20,000। सोचो आप, इस तरीके से लोग बाग जीएसटी को आज भी कम कर देते हैं। मतलब सेल अगर आप अपनी कम करते रहोगे तो आपका जीएसटी क्या है, अपने आप कम होता जाएगा। सर हमें एक और तरीका दिख रहा है जीएसटी कम करने का, बताओ क्या? बिल्कुल सही तरीका दिख रहा है आपको, परचेज को बढ़ा दो। सर परचेज कैसे बढ़ाएंगे जरा बताना तो, फर्जी बिल बनवा के, है ना? कई लोग, आप सपोज करो ये जो है 6 लाख का माल खरीद रहा है लेकिन 4 लाख रुपए के बिल फर्जी बनवा लेता है, और भी ज्यादा, तो कितने रुपए का टैक्स दिखा देता है कि मैंने कितने रुपए का टैक्स और पे करा है? 40,000 का, ये 4,40। तो सोचो आप क्या होगा इससे? तो इससे ना आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था 60,000 प्लस 40,000 कितना हो गया? 1 लाख। आपने लोगों से लिया कितना टैक्स? 80,000 रुपये, और गवर्नमेंट को कितना आपने ऑलरेडी जमा करा दिया? 1 लाख, बता रहे हो आप? तो ये 20,000 पता है क्या बोलते हैं इसको? रिफंड। अब तो आप गवर्नमेंट से क्या मांगोगे? उल्टा रिफंड मांगोगे। सर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप एक काम करो, आप नाम डालो आज गूगल पे, पंकज शर्मा नाम है शायद, है ना? यही जयपुर की बात है, अभी कुछ टाइम पहले एक पर्सन फ्रॉड करते हुए जीएसटी के अंदर पकड़ा गया है। वो क्या बनाता था? फर्जी बिल बनवाता था। यूपी की किसी पार्टी से लिंक था उसका, और उसने करोड़ों रुपए के फर्जी बिल बनवा के दिए थे उस पार्टी को, ठीक है? तो ऐसे फ्रॉड होते रहते हैं मार्केट के अंदर। तो इनपुट टैक्स, या तो आप इनपुट टैक्स बढ़ा दो, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं इसको, ना? या तो आप इनपुट टैक्स खरीदते समय ऐसा दिखाओ कि हम ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, या आप बेचते समय कम टैक्स दिखाओ, ठीक है? अब गवर्नमेंट ने इसका थोड़ा सा रास्ता क्या निकाला है, अब आप ये समझो। आप सुन रहे होंगे आजकल ई वे बिल का कॉन्सेप्ट, सुन रहे हो? ये सब रामायण मैंने आपको ई वे बिल के लिए बनाई है। बताइए ई वे, बताओ ये सब चीजें कब हो पाती है? बताए, जब लोबा क्या करते हैं, अब जैसे ना आज किसी ने माल बेचा, अब सपोज करो सेल, सेल कौन कम कर सकता है? जैसे 8 लाख रुपए का ये माल, ये 10 लाख का बेच रहा है माल, ठीक है? 10 लाख के माल में टैक्स कितना? 1 लाख रुपए, ठीक है? ध्यान से समझना इस पे, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं कि कुछ, भाई अपन आरएएस कर रहे हैं तो मतलब अपन वैसे भी, ये मान लो कि अपन इंटेलिजेंट है और सब चीजें समझ सकते हैं, इसमें कुछ कॉमर्स वॉमर्स सही नहीं है, आप ये मानो, ठीक है? ये नॉर्मल बिजनेसमैन भी जानता है ये सब बात। अब बिजनेसमैन कोई साइंस कॉमर्स और आर्ट्स थोड़े देख के बिजनेसमैन बनता है, बिजनेसमैन बिजनेसमैन होता है। जब वो समझ सकता है तो बिजनेसमैन, आपको पता है कि कई बार तो अनपढ़ लोग भी बिजनेसमैन बन जाते हैं, धीरू भाई अंबानी, तो अपन भी ये सब समझ सकते हैं, ठीक है? ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल सीए ही ये जानता है या फिर कॉमर्स वाला बंदा जानता है, अपन भी ये सब जानेंगे और जानते हैं ना, ठीक है? तो इसमें अपन को बिल्कुल भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझना है, समझना है, ठीक है? और मैं आपको समझा के मानूंगा, ठीक है? यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात है, ये है, पीछे नहीं छोड़ेंगे आपके। ई वे बिल क्या है ये समझो आप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है आपकी बार एग्जाम में, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप 50,000 रुपये से ऊपर का माल
इंट्रा स्टेट ट्रेड। इंट्रा स्टेट मतलब क्या होता है बताओ, विद इन द स्टेट बेच रहे हो, मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। भाई बेचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन। ये किसी का गोडाउन है, दुकानदार है, इस दुकानदार को दूसरे दुकानदार के पास माल पहुंचाना है। ये होलसेलर है, ये रिटेलर है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, B2B कहते हैं ना इस ट्रांजेक्शन को। तो ये होलसेलर जो है, ये माल 1 लाख रुपए का पहुंचाना चाहता है, 70,000 रुपये का माल पहुंचाना चाहता है इस दुकानदार को, ठीक है, रिटेलर को पहुंचाना चाहता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये होलसेलर कैसे पहुंचाता है बताओ ये माल, ये एक ट्रक या गाड़ी होगी इसके पास, ठीक है, ये जयपुर के अंदर मान लो, ये जो है मालवीय नगर के अंदर रहता है दुकानदार होलसेलर, और ये जो रिटेलर है ये सांगानेर के अंदर रहता है, जयपुर के अंदर दोनों जगह हैं। तो ये मालवीय नगर से गाड़ी लेके निकलेगा और कहाँ पहुंचा देगा ये माल, सांगानेर में पहुंचा देगा, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अगर ये 50,000 रुपये से ऊपर का माल है तो इस होलसेलर को, मतलब इस सेलर को क्या फाइल करना है, ई वे बिल। सर ये क्यों करा जरा ये बता दो, और ये होता क्या है, अब आप मेरी बात समझो। अभी मैंने आपको क्या बताया था, लोग बाग अपना टैक्स दो तरीके से कम करते हैं, या तो सेल कम दिखाते हैं या परचेज ज्यादा दिखाते हैं ना, समझ में आया, या तो सेल कम दिखा दो या परचेज ज्यादा दिखा दो। सेल कम दिखा दोगे तो आपका आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और परचेज ज्यादा दिखा दोगे तो आप इनपुट टैक्स ज्यादा दिखा दोगे। तो अब ये क्या होता है कि लोग बाग माल बेच देते हैं और फिर सेल भी कर देते हैं, माल बेच दिया मतलब, और सेल करने के बाद अपनी बुक से, अपने अकाउंट से वो एंट्री को उड़ा देते हैं, मतलब वो ट्रांजेक्शन ही उड़ा देते हैं कि हमने माल बेचा है, हम दिखाते ही नहीं है ना, भाई माल इसने 10 लाख का बेचा, ठीक है ये बेच के आ गया, लेकिन ये सरकार को कितना दिखा रहा है, मैंने कितने रुपए का माल बेचा, 8 लाख का बेचा। अब बताओ, अब गवर्नमेंट क्या करती है पता है, गवर्नमेंट ने बोला बेटा अगर तुम्हारी गाड़ी में 50,000 रुपये से ज्यादा का माल है, एक पार्टी को लेके जा रहे हो तुम सिंगल इनवॉइस के अंदर, एक पार्टी को ये लेके जा रहे हैं ना होलसेलर, 70,000 रुपये का माल अकेला इस सांगनेर वाले को, तो एक बिल के अंदर कितने रुपए का माल लेके जा रहा है, 70,000 रुपये का, 50,000 से ज्यादा। तो सरकार कह रही है भैया सेलर तुम हमें सेम डे इंफॉर्मेशन दो, है ना, उसी दिन इंफॉर्मेशन दो ऑनलाइन कि तुमने किस पार्टी को माल बेचा, कितने कितने का, मतलब माल बेचने जाने से पहले ही आपको बनाना पड़ेगा ये, है ना, ये होलसेलर माल तैयार कर रहा है, इसकी जो लेबर है वो गाड़ी के अंदर सामान रख रही है, तो उसी टाइम बताना पड़ेगा इसको, गवर्नमेंट को ई वे बिल फाइल करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, है ना, कि मैं जा रहा हूँ और इस सांगनेर वाले पार्टी के पास माल लेके जा रहा हूँ मालवीय नगर से, ठीक है, 70,000 रुपये का माल है, इसके अंदर मेरा ये चाय रखी हुई है, ये घी रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, और उस पर 15%, उस पर इतना 18% टैक्स है, 28% टैक्स है, जो भी टैक्स है, और ये बात है साहब। इससे क्या होगा, अब बाद में ये बिल को कभी डिलीट नहीं कर पाएगा, ये बाद में कभी सेल्स को डिलीट नहीं कर पाएगा चाह के भी, क्यों, अब अगर मान लो इसने इस तरीके से अगर सारे के सारे बिल्स जो हैं पूरे महीना भर इसने, क्योंकि हर महीने GST पे करना पड़ता है, तो पूरा इसने महीने भर तक इसी तरीके से सेल के ट्रांजेक्शन किए, जब भी सेल करने जा रहा था गवर्नमेंट को बता दिया, गवर्नमेंट को बता दिया, हर बार सेल कर रहा है गवर्नमेंट को बता रहा है ना, तो फिर क्या होगा उससे, उससे कभी भी ये सेल को कम शो नहीं कर पाएगा अपनी, महीने के एंड में जब ये टैक्स पे करने आता था, वरना पहले क्या करता रहा, ये बिल को अपने सेल को कम शो कर देता था, ठीक है। तो ई वे बिल क्या कराए, टैक्स की चोरी को रोकने से बचाने के लिए किया गया, समझ में आया, ये ई वे बिल में आप क्या लिखोगे, टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन। गवर्नमेंट ने ई वे बिल क्यों बनाया बताओ, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए बनाया है, ठीक है, क्या समझ में आ गया भाई, इतना तो डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है, और मेरे को नहीं लगता ये आपके लिए कोई हार्ड बात है, क्योंकि अगर अपन RAS के लिए सोच भी रहे हैं तो वैसे भी अपन के अंदर क्वालिटी है, ठीक है, तो क्वालिटी है तो अपन चीजें समझ सकते हैं, उससे साइंस कॉमर्स आर्ट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब अपन आते हैं किस बात पे, तो ई वे बिल है ना, ये 50,000 रुपये फिक्स अमाउंट है, ध्यान रखना है ना, ये ई वे बिल राजस्थान के अंदर अप्लाई हो चुका है, ठीक है, अगर राजस्थान के अंदर भी कोई पर्सन 50,000 रुपये से ऊपर का माल लेके जाता है तो उसे ई वे बिल बनाना पड़ेगा। लेकिन अब तुम्हें क्या बताऊं कि ना, जो बिजनेस मैन है वो कितने समझदार है, वो क्या करते हैं, वो
50,000 रुपये से ऊपर की सेल को शो ही नहीं करते। वो क्या, वो है ना, कई लोग तो ईवे बिल से बचने के लिए अपनी गाड़ी के, मान लो किसी का 70,000 रुपये का माल है लेके जाना, तो वो क्या करेगा, वो गाड़ी में भर लेगा उसको अलग अलग के अंदर, क्या दो अलग अलग बिल बनवा लेगा, समझ रहे हो, 40,000 का अलग बना लेगा, 30,000 का अलग बना लेगा, ठीक है, दो गाड़ियों में भर देगा, दो बार अलग अलग लेके जाएगा, इस तरीके से करेगा। वो 50,000 रुपये से ऊपर माल रखेगा ही नहीं एक पार्टी को, तो इस तरीके से लोग टैक्स बचा देते हैं, वो अपने को जानने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपने, वो है जीएसटी काउंसिल, ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना टॉपिक है लेकिन सुर्खियों में रहता है हमेशा, पुराना मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये इसलिए पुराना है, ठीक है, जब से आया वैसे ही है, मीटिंग होती रहती है, आपने सुना होगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है, थर्ड मीटिंग फोर्थ मीटिंग, ये क्या होता है भाई, देखो जीएसटी जो है उसकी वजह से क्या हुआ है, स्टेट्स को अपना टैक्स जो है, बहुत सारे टैक्स छोड़ने पड़े, कौन कौन से टैक्स बताओ, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाती थी, पहले वैट, फिर सर्विस टैक्स में भी शेयर था स्टेट गवर्नमेंट का, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी चुंगी, ठीक है, और लग्जरी टैक्स, ये सारे टैक्स कौन लगाती थी, राज्य सरकार लगाती थी, इतने सारे टैक्स छोड़ने पड़े, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या डिमांड थी, जीएसटी आने में क्या, क्यों जीएसटी आने में, पता है 2008 से भी, 2008 से पहले जीएसटी जो था वो प्रपोज था, इतना टाइम क्यों लग गया जीएसटी आने में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट राजी नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी, स्टेट गवर्नमेंट को डर था कि हमारा जो रेवेन्यू है, जो टैक्स का कलेक्शन है वो गिर जाएगा, हम पहले इतने सारे टैक्स ले रहे हैं, आप जीएसटी लगा रहे हो, जीएसटी लगाने के बाद हो सकता है कि किसी स्टेट को पहले 5 लाख करोड़ टैक्स मिलता था, अब 4 लाख करोड़ मिलेगा, तो गवर्नमेंट के सामने ये परेशानी थी, ठीक है। फिर अब जीएसटी जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लगा रही है, लेकिन अब भाई स्टेट्स की बातें सेंटर मानेगा ही नहीं मानेगा, ये इशू था, ठीक है, तो इसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई कि जीएसटी की रेट कितनी होनी चाहिए, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन किसको कराना चाहिए, ठीक है, जीएसटी के अंदर रिटर्न्स कितनी बार फाइल होनी चाहिए, अब आपको पता है हर महीने जीएसटी की रिटर्न फाइल होती है, तो जीएसटी के अंदर क्या क्या एग्जम्पशन होनी होनी चाहिए, जीएसटी की जो फाइलिंग है वो किन किन के लिए कैसी होनी चाहिए, आसान कैसे होना चाहिए, तो ये सब बातें हैं ना जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन मेंबर्स होते हैं, पहली बात तो हेड होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब अपने अरुण जेटली जी, है ना, इसके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है वो, सॉरी इसके चेयरमैन है वो, ठीक है, जीएसटी काउंसिल के, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, प्री में भी पूछ सकते हैं, मेंस में भी पूछ सकते हैं। फिर इसके मेंबर्स कौन होते हैं ये भी जान लो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आपको पता है ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, कैबिनेट के अंदर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, सॉरी। फिर और कौन मेंबर होता है, हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर, हर स्टेट के वित्त मंत्री भी क्या होंगे, इसके मेंबर्स होंगे। जीएसटी काउंसिल का काम क्या है बताओ, ये सब मिलके डिसाइड करेंगे कि भाई जीएसटी की रेट क्या होगी, जीएसटी में कौन कौन से गुड्स पे एग्जम्पशन होगी, एग्जम्पशन मतलब क्या होता है, कौन कौन से गुड्स पे टैक्स नहीं लगेगा, उसे बोलते हैं एग्जम्पशंस, ठीक है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या होगी, टैक्स कैसे भरेंगे लोग बाग, और बहुत सारी बातें, एन नंबर ऑफ बातें कौन है, सब मिलके डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो यही तो ब्यूटी है इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर की, कि यहां पे सेंटर और स्टेट क्या है, मिलके काम कर रहे हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल बताओ किसका है, ये एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, आपको एग्जाम में लिख सकते हो, आपने सुना होगा दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और एक होता है कॉपरेटिव फेडरलिज्म, तो जीएसटी इज एग्जाम्पल ऑफ कॉपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, मतलब यहां पे सेंटर और स्टेट मिलके सबके सब मिलके डिसाइड कर रहे हैं, तो कॉपरेशन है, और फेडरलिज्म पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ड्यूल गवर्नमेंट, क्लियर क्या, तो अपन को जीएसटी के अंदर ये सारी बातें समझनी है, तो अपन ने क्या क्या समझा बताओ, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स,
है ना, क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या मीनिंग होता है, इंडिया के लिए कौन सा टैक्स अच्छा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। फिर अपन ने समझा कि जीएसटी जो है उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, मल्टीपल टैक्स खत्म हो गए इससे, ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो गया। सोचो बिजनेसमैन को पहले इतने सारे टैक्स देने पड़ते थे, इससे अब आसान हो गया ना, ठीक है। फिर जीएसटी के रेट्स क्या हैं वो अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, जीएसटी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बाहर रख रखे हैं, पेट्रोलियम का अपन ने पूरा समझा, ठीक है, इशू क्या है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि जीएसटी के अंदर ई वे बिल क्या होता है, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी नेटवर्क और इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मेरे हिसाब से जीएसटी से रिलेटेड, और डीएल स्ट्रक्चर भी देख लिया अपन ने, तो मेरे हिसाब से जीएसटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी लगता है ये क्वेश्चन और आ सकता है तो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन डायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म्स देखेंगे कि क्या है। डायरेक्ट टैक्स में ऐसा सच कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है, बस गवर्नमेंट जो है ना अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाई होता है इंडिया में, तो ये 50 साल से भी पुराना हो चुका है। तो अब गवर्नमेंट सोच रही है इसको चेंज कर दें और इसकी जगह डायरेक्ट टैक्स कोड लिया है, डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब ये विचार कर रही है, इसके लिए गवर्नमेंट ने अरविंद मोदी कमेटी भी बना दी है, ठीक है। तो वो अपन डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशो 10 साल से एक ही जगह पे अटका पड़ा है, तो इसके क्या रीजंस हैं, ये अपने यूपीएससी और आरपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज रिविजन करो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। थैंक यू, बाय बाय।